हेलो एवरीवन, हमारे ड्रामे का मेन लीड एक बहुत ही हैंडसम सा फाइटर जेट पायलट है और उसका नाम है कैप्टन करण। कैप्टन करण अपने फील्ड में बहुत एग्रेसिव नेचर रखता है और इसी वजह से उसे वहां पर थंडर का नाम दिया गया है। स्टोरी के स्टार्ट में दिखाते हैं कि वो अपने को पायलट्स के साथ अपने एक मिशन पर गया हुआ होता है, लेकिन वहां से वापसी पर उसके इंजन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से हर कोई परेशान हो गया था। उसके ऑफिसर ने उसे ऑर्डर किया था कि वो इजेक्ट हो जाए, लेकिन उसे खतरों से खेलने में मजा आता था। वो इजेक्ट होने की बजाय अपने फाइटर प्लेन को किसी तरह से संभालता है और इस तरह से वापस आता है कि जैसे कुछ हुआ भी नहीं था। उसे जिंदा और सलामत देखकर हर कोई खुश हो गया था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जब वो वापस पहुंचता है तो एक तरफ उसके फ्रेंड्स तो खुश थे लेकिन उसका बॉस उसे बहुत डांटता है। उसके ऑफिसर का कहना था कि उसने अपनी जान पर खेलकर एक गलत फैसला किया है, लेकिन कैप्टन करण ने कहा कि अगर मैं वहां पर प्लेन को छोड़ देता तो वो आबादी पर गिरता, इसीलिए उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था। कैप्टन करण बहुत स्किल्ड था, लेकिन उसके ऑफिसर को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर हर टाइम पर अपनी जिंदगी पर रिस्क लिया करता था। उसके बाद एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, जिसका नाम है डॉक्टर आइरीन। डॉक्टर आइरीन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर अपनी रिसर्च लैब में काम कर रही होती है, लेकिन आज फिर से उसके रिजल्ट्स फेल्ड रहते हैं। वो बहुत सैड हो जाती है, लेकिन इतने में उसे याद आता है कि उसकी मम्मी भी इसी बीमारी से लड़ते लड़ते अपनी जान दे गई थी, लेकिन उन्होंने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि तुम कभी हार नहीं मानोगी, बल्कि अपने डैड के साथ मिलकर तुम इस रिसर्च को कंटिन्यू रखोगी ताकि उसकी मॉम की तरह किसी और को सफर ना करना पड़े। आज ये सारा कुछ याद करते हुए डॉक्टर आइरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे दोबारा से हिम्मत मिलती है और वो फिर से काम में लग जाती है। उधर हमें कैप्टन करण को दिखाते हैं, उसका भी एक ट्रेजिक पास्ट था। एक दफा एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम ब्लैक आयरन था, उन्होंने हमला किया था और उसकी फियांसी को होस्टेज बनाकर बाद में उसकी जान भी ले ली थी। ये सारा मंजर और जिस तरह से उसकी फियांसी ने उसके हाथों में जान दी थी, ये कैप्टन करण को कभी भी नहीं भूलता था। वो बहुत घायल हो गया था लेकिन उनसे बदला नहीं ले पाया था। उसी हादसे के बाद से ही कैप्टन करण की नेचर बहुत एग्रेसिव हो गई थी। आज भी उसके ऑफिसर उसको यही बोलते हैं कि थोड़े दिनों बाद हमारी कंबाट ट्रेनिंग एक और कंट्री के साथ स्टार्ट होनी है, लेकिन मैं सोचूंगा कि तुम्हारा नाम उसमें रखा भी जाए कि नहीं। और इसकी वजह वही इंसिडेंट था जिसके जख्म आज भी कैप्टन करण के दिल में ताजा थे। उसका बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम वो सारा कुछ भूल क्यों नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। उस सिचुएशन में तुम जितना कर सकते थे तुमने मैक्सिमम किया। अब ये सारा कुछ भुलाकर तुम आगे मूव करो क्योंकि तुम मेरे सबसे स्किल्ड पायलट हो, लेकिन जिस तरह से तुम बार बार डेथ को चैलेंज करते हो ये मुझे पसंद नहीं है। उधर डॉक्टर आइरीन अपनी रिसर्च कर रही होती है एज यूजुअल, लेकिन आज उसके सक्सेस रेट एकदम बढ़कर 65% तक आ चुके थे। ये देखकर वो इतनी एक्साइटेड होती है कि फौरन से अपने डैडी के पास उनको ये न्यूज़ देने जाती है, पर उसे पता चलता है कि उनके फाइनेंसर ने उनकी हेल्प करने से इनकार कर दिया है, प्रोजेक्ट क्लोज करने का ऑर्डर किया है। फौरन से डॉक्टर आइरीन दौड़ती हुई जाती है और उनको ये रिजल्ट्स दिखाती है। अब उनकी मेडिसिन की सिर्फ ह्यूमन टेस्टिंग रह गई थी, उसके बाद वो लोग सक्सेसफुल हो सकते थे। ये देखकर उनका फाइनेंसर भी हैरान रह जाता है और अप्रूवल दे देता है। अब एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद वो लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। वो अपने डैड के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके डैड के पीछे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं और वो उनको धमकाती भी हैं कि वो उनकी या उनकी बेटी की जान ले लेंगे। एक्चुअली उसके डैड के पास कुछ ऐसा मटेरियल था, ऐसा रिसर्च डाटा था जो उनको चाहिए था। अब अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर करण अपने यूजुअल चेकअप के लिए अपनी एक कजन सिस्टर के पास जाता है जो कि डॉक्टर ही थी। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती लग रही थी, लेकिन वहां पर उस डॉक्टर को पता चलता है कि एक पेशेंट बच्चा जिसका नाम टॉन था वो वहां से भाग गया है। अब उस हॉस्पिटल से निकलते हुए इत्तफाक से करण और आइरीन की टक्कर हो जाती है। आइरीन के ग्लासेस गिर गए थे, जब करण उसे वो उठा कर देता है तो वो जब करण को देखती है तो देखती ही रह जाती है। लगता है कि किताबों से बाहर वो पहली दफा निकली थी और रोमांस को फील करने लगी थी। करण जितना स्वीट और जितना काइंड था कोई भी लड़की उस पर फ्लैट हो सकती थी।
जब कैप्टन करण बाहर आता है तो वो उसी बच्चे तौन को वहाँ से भागने की तैयारियों में देखता है, तो उसे उठाकर वो अंदर ले जाने लगता है क्योंकि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वो बच्चा बहुत चीखता चिल्लाता है, शोर मचाता है, करण से कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। इतने में आइरीन चिल्ला कर करण को डांटती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। वो हैरान रह जाता है कि इतनी यंग सी मामा इस बच्चे की। उसके बाद वो उस बच्चे का बैग वहाँ छूटा देखता है तो उस बैग में एक फाइटर प्लेन था। वो देखकर जान जाता है कि इस बच्चे के क्या एम्स हैं। उसने तौन को डांटा था तो वो उसे मनाने के लिए अब आइरीन की परमिशन लेता है। वो उसके पास जाकर उसे बताता है कि जब तक तुम बिल्कुल हेल्दी नहीं होते तो तुम फाइटर प्लेन कैसे उड़ा सकते। मेरा भी बचपन से यही सपना था। जब तौन को वाकई कन्फर्म हो जाता है कि कैप्टन करण एक फाइटर पायलट है तो वो बहुत खुश होता है और उसकी हर बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। डॉक्टर आइरीन भी उस समय कैप्टन करण से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन अचानक से तौन की कंडीशन बिगड़ जाती है और यहाँ पर कैप्टन करण की कज़न उसे बताती है कि तुम्हें शायद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये आइरीन का एडॉप्टेड सन है, इसकी तो खुद की शादी भी नहीं हुई। वो लोग तौन पर एक मेडिसिन रिसर्च कर रहे थे और इसीलिए उसको एडॉप्ट भी किया हुआ था, अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रखते थे। अब उसकी कज़न यही चाहती थी कि किसी तरह से आइरीन और करण का मैचअप हो जाए क्योंकि वो दोनों इकट्ठे अच्छे लगते थे। जब करण वहाँ से जा रहा होता है तो आइरीन उसके पास आती है उसे थैंक्स करने के लिए, लेकिन बहुत देर हो गई थी, एलिवेटर आ ही नहीं रही थी और डॉक्टर आइरीन को तो देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने आज से पहले कोई हैंडसम लड़का देखा ही ना हो। वो बार बार करण को देखे जा रही थी, वो भी काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रहा था। इतने में एक स्ट्रेचर की टक्कर से उसे बचाते बचाते वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और आइरीन तो करण की नजरों में ही खो जाती है। डॉक्टर आइरीन का तो खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन कैप्टन करण काफी पर्सनैलिटी वाला था, वो खुद को संभालता है और वहां से निकल जाता है। उधर जब से डॉक्टर आइरीन के डैड को धमकी मिली थी, उन्होंने अपने रिसर्च लैब की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी थी। अब हर किसी की वहाँ पर चेकिंग होने लगी थी और वो वहाँ के सारे रिसर्चर्स की बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप भी इंसर्ट कर देते हैं। उधर कैप्टन करण की एयरबेस पर अब्रॉड से एक टीम आती है जिनके साथ काम करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऑफिसर ने उसका नाम बैकअप में रखा है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा के तौर पर खुद को देख कर करण का मूड बहुत खराब हो जाता है। उसके बाद कैप्टन करण के ऑफिसर थॉन वो उसी रिसर्च लैब में जाते हैं। उनका वहाँ से कनेक्शन था क्योंकि आइरीन के डैड ने उनको हेल्प के लिए बुलाया था। वो पहले मिलिट्री में डॉक्टर हुआ करते थे और अब सिक्योरिटी इश्यूज में वो उनकी हेल्प चाहते थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि पार्ट ने खुद से ही आइरीन और करण का मैचअप कराना स्टार्ट कर दिया है। वो एक जगह पर आइरीन को अपने साथ ले जाती है और अपने कजन को भी वहीं पर ही बुला लेती है। अब थोड़ी देर बाद उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है, उसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है और वो डॉक्टर आइरीन और कैप्टन करण को अकेले छोड़ जाती है और ये भी कहती है कि इसी के साथ वापस आना, यही तुम्हें ड्रॉप करेगा। आइरीन रोमांस वगैरह में बिल्कुल भी अच्छी नहीं, वो शर्माते शर्माते एक पेपर एरोप्लेन बनाकर कैप्टन करण में क्रैश करा देती है। करण का अपने ऑफिसर की बातों की वजह से थोड़ा सा मूड खराब था, ये बात पार्ट ने आइरीन को भी बता दी थी। वो उसको चीयर अप करने के लिए आती है। यहाँ पर करण उसके बनाए हुए प्लेन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है और उसे दोबारा से फ्लाई कराने को कहता है, लेकिन वो फिर से उसे नहीं उड़ा पाती। अब करण बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में उसे खड़ा करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक टेक्निक सिखाता है, जिसके बाद उनका प्लेन उड़ता ही चला जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने कैरियर के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं और कैप्टन करण थोड़ा तो लाइट फील करता है। करण की हेयरिंग और ऑब्जर्विंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, वो यहाँ पर भी उसे एक साइकिल की टक्कर से बचाता है और उसके बाद उसे ड्रॉप करने की ऑफर करता है। पर आज से पहले आइरीन कभी भी बाइक पर नहीं बैठी थी, वो शर्माते शर्माते एक साइड पर बैठती है तो करण उसे साइड चेंज करने को कहता है। करण बहुत ही स्वीट था, सारा रास्ता आइरीन ऑकवर्ड फील कर रही थी लेकिन वो उसे कंफर्टेबल फील कराता रहता है। यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स भी आते हैं। उसके बाद दोनों अपनी अपनी लाइव्स में बिजी हो जाते हैं। वो रिसर्च लैब में काम करती है जबकि कैप्टन करण को अगले दिन प्रैक्टिस करने का मौका मिल ही जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जैसा उसका नाम था थंडर। वो अपनी अपोनेंट टीम को भी इम्प्रेस कर देता है। उधर हमें डॉक्टर आइरीन को दिखाते हैं, उसके पास उसका एक कोलीग आता है जो आज उससे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे इस रिसर्च लैब में आया हूँ, लेकिन तुम मुझ पर नज़र भी नहीं डालती, सिर्फ एक फ्रेंड की नज़र से क्यों देखती हो। यहाँ पर आइरीन की उससे थोड़ी लड़ाई हो जाती है क्योंकि उसने उसे दूसरी नज़र से कभी भी नहीं देखा था।
लेकिन विट की हरकतें कुछ सस्पिशियस थी। वो किसी से चोरी चोरी फोन पर बातें भी करता था और ऐसे लगता था कि जैसे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। उधर करण का ऑफिसर थॉर्न आज उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें डॉक्टर आइरीन और उसके डैड का डाटा लिखा हुआ था। वो कहता है कि इनके पास कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनके पीछे हैं और ये मेरे फ्रेंड हैं, इसीलिए हमें डिफेंस डिपार्टमेंट से ऑर्डर आए हैं कि हम इनकी सिक्योरिटी को बेटर करें, और इस काम के लिए उन्होंने कैप्टन करण को चूज़ किया था। उधर रिसर्च लैब में दिखाते हैं कि आजकल आइरीन के डैड बहुत परेशान थे और वो बिल्कुल करेक्ट भी, उनकी लैब पर आज टेररिस्ट अटैक कर भी देते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल बन जाती है। उन्होंने बहुत से लोगों को होस्टेज कर दिया था, लेकिन आइरीन और उसके डैड भागने में कामयाब हो जाते हैं और सबसे पहले तो वो अपनी हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि उनका सेंसिटिव डाटा कहीं लीक ना हो। उसके बाद वो आइरीन की ट्रैकिंग चिप बंद करते हैं। वो अपने ऑफिसर दोस्त को फ़ोन करते हैं। ऑफिसर थॉर्न करण और उसके फ्रेंड्स को रेस्क्यू मिशन पर भेज देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आइरीन के डैड ने खुद को तो फंसा दिया था, लेकिन आइरीन को बचा लिया था। उनको तो टेररिस्ट किडनैप करके ले जाते कि डॉक्टर आइरीन टेररिस्ट से छुपने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनका एक लीडर जिसका नाम जैक था वो उसे तलाश कर ही लेता है। आइरीन को उसके डैड ने डिफेंस के लिए एक गन दी थी, वो उस पर वही यूज़ करती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था। एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ कमांडोज भी उनकी बिल्डिंग में पहुंच चुके थे रेस्क्यू करने के लिए। आइरीन जैक के सामने बहुत रेजिस्ट कर रही थी, ये बात उसे गुस्सा दिला देती है और वो कहता है कि इस लड़की को मैंने नहीं छोड़ना। एक्चुअली उसे पीछे से यही टास्क मिला था कि उन लोगों ने 3 डॉक्टर्स को जिंदा किडनैप करके लेकर जाना है और उनमें से एक डॉक्टर आइरीन ही इस वक्त मिसिंग थी। एक दफा आइरीन पकड़ी जाने वाली होती है कि ऊपर से करण आता है और उसकी जान बचा लेता है। आइरीन ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि करण वहां पर पहुंचेगा। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। आइरीन सरप्राइज्ड भी थी, कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एक फाइटर पायलट हो, लेकिन वो कहता है कि हमारा एयर कमांडो यूनिट, मैंने इसकी ट्रेनिंग ली हुई है और मुझे स्पेशल ऑपरेशन मिला है तुम लोगों की रेस्क्यू करने का। यहाँ पर एक जगह पर छुपे हुए आइरीन और करण सुन लेते हैं कि उन टेररिस्ट ने इस बिल्डिंग में एक टाइम बॉम्ब भी लगाया हुआ है और ये भी कि उन्होंने डॉक्टर चिट, जो कि आइरीन के डैड हैं, उनको पकड़ लिया है। करण तो बहुत कहता है कि आइरीन तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि मैं बॉम्ब को तलाश करके उसे डिस्पोज कर सकूं, लेकिन आइरीन घूमती फिरती एक दफा फिर से उसके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि करण के बाकी फ्रेंड्स एक तरफ हॉस्टेज बनाए हुए बहुत से रिसर्चर्स को बचाने में लगे हुए होते हैं। करण आइरीन को डांटता है क्योंकि वो उसे एक ट्रबल मेकर लग रही थी, लेकिन आइरीन कहती है कि इस बिल्डिंग में मैं हर जगह को जानती हूँ, बॉम्ब को तलाश करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और आइरीन का अंदाज़ा दुरुस्त था, वो उसे ठीक जगह पर लेकर जाती है। यहाँ पर करण आइरीन को थोड़ा तो तंग करता है, उससे पूछता है तुम्हें वाइट कलर पसंद है या ब्लू। एक्चुअली वो तुक्का लगाकर उसकी तार को ब्रेक करना चाहता था। आइरीन बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन एंड पर करण हंसता हुआ अपनी पसंद से ब्लू कलर चूज़ करता है, आइरीन वाला वाइट नहीं, और इस तरह से वो टाइम बॉम्ब रुक जाता है। आइरीन इतनी खुश होती है कि उसे हक कर लेती है और कहती है कि मुझे तो पहले सांस भी नहीं आ रहा था डर के मारे। करण कहता है और अब तुम मेरी सांसें रोक रही हो। ये सुनकर आइरीन शर्मा जाती है। इतने में कुछ टेररिस्ट 2 डॉक्टर्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं और जाते जाते उन्होंने अपने फोन के थ्रू दोबारा से उस बॉम्ब को रिस्टार्ट कर दिया था। ये देख कर करण बहुत परेशान हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में वो पहले कभी भी नहीं पड़ा था। वो आइरीन को बार बार कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन आइरीन भी जिद्दी थी, वहाँ से बाहर नहीं जाती। इन दी एंड वो दोनों गिव अप करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उनके दरवाजे के आगे कुछ हैवी मटेरियल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं निकल पा रहे थे। आइरीन गिव अप कर देती है और करण से सिर्फ इतना ही कहती है कि तुमने बहुत अच्छे से अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम एक बेस्ट सोल्जर हो। करण भी आइरीन को अपने शोल्डर पर रेस्ट कराता है। ऐसा लगा था कि उनकी लाइफ खत्म होने वाली है। आइरीन तो स्ट्रेस के मारे वहीं बेहोश हो जाती है, लेकिन एक्चुअली पता चलता है करण ने पहले ही उसे डिफ्यूज कर दिया था। अब वो बॉम्ब एक हल्के से शॉर्ट सर्किट के साथ बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे सीन क्रिएट होते हैं जो करण को अपनी फियांसी मीना की यादें दिला देते हैं। अब डॉक्टर आइरीन को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था,
उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। ऑफिसर थॉर्न तो चाहते थे कि उनको मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन करण कहता था कि वो बहुत स्ट्रेस में है, जब अपनों को इर्द गिर्द देखेगी तो थोड़ा सा लाइट फील करेगी। डॉक्टर पार्ट उसकी फ्रेंड है। और सिक्योरिटी की आप चिंता ना करें, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। उधर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर चिट जब टेररिस्ट्स के पास होते हैं तो हमें एक बात मालूम पड़ती है कि उसके पास एक ब्रीफकेस है जिसमें बहुत सा सेंसिटिव डाटा है, लेकिन वो तीन लोगों के फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। और तीसरी, डॉक्टर आइरीन उनके हाथ नहीं लगे थी। अगर वो किसी और तरीके से उस ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें मौजूद मटेरियल खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए अब उनको हर हाल में डॉक्टर आइरीन जिंदा चाहिए थी। उधर पार्ट आइरीन को बार बार बताती है कि एक कमांडर सारी रात तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जागता रहा। वो देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि करण ही था। वो एकदम खुश हुई थी, लेकिन जब उसे पता चलता है, याद आता है कि उसके डैड को कोई किडनैप करके ले गया है, तो वो बहुत तड़पती है। यहाँ पर करण उसे शांत कराता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारे डैड को बचाऊंगा और तुम्हारे तक लेकर आऊंगा। फिर हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम कैप्टन रिट है और ये डॉक्टर पार्ट का बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर पार्ट आजकल इससे नाराज है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल उसे मिलने के लिए आता है तो वहाँ पर उन्हीं टेररिस्ट्स को भी देख लेता है जो आइरीन के पीछे वहाँ आए हुए थे। अब पार्ट को मनाने के लिए रिट पेशेंट के रूप में उसके सामने आता है और अपना चेकअप कराने लगता है, लेकिन पार्ट ने भी उसे पहचान लिया था। थोड़ी देर वो नखरे करती है, लेकिन इन दी एंड वो मान ही जाती है। उधर करण भी देख लेता है कि आइरीन के कमरे के बाहर कुछ सस्पिशियस लोग हैं। जब वो अंदर जाता है तो एक डॉक्टर के रूप में इंसान खड़ा था और कुछ लोग बाहर मौजूद थे, लेकिन करण उन सारों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता है। वो बहुत स्किल्ड था, उन सबको डॉज करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग थे कि एक दफ़ा उसका एलिवेटर में आमना सामना एक गर्ल से हो जाता है जो उसको अच्छे से जानती थी कि ये करण है, और साथ ही साथ उसके पुराने ज़ख्म भी ताज़ा करती है कि हिस्ट्री रिपीट करेगी खुद को। यहाँ पर करण को पता चलता है कि वो मीना के मर्डर पर उसे टॉन्ट कर रहे हैं और ये उसी ब्लैक आयरन टेररिस्ट ग्रुप से हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा थे। करण एक दफ़ा उनसे फाइट करता है और इन दी एंड वो सिर्फ खुद को बचा कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो गलत टाइम पर आता है जब डॉक्टर पार्ट और रिट का स्वीट मोमेंट वो डिस्ट्रॉय करता है। पर मसले की बात ये थी कि उस वक्त आइरीन मिसिंग हो गई थी, जिसे तलाश करने के लिए रिट और करण दोनों बाहर निकल जाते हैं। वो किसी तरह से उससे कॉन्टैक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने ही कोलीग रिसर्चर जिसका नाम विट था उससे मिलने के लिए पहुंची हुई है, क्योंकि वो मिसिंग हो गया था। ना वो मरने वालों की लिस्ट में था और ना ही रेस्क्यू होने वालों की लिस्ट में। आइरीन उसके घर पर जाकर देखती है तो वहाँ पर तोड़फोड़ हुई हुई थी। वो एकदम हैरान होती है कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, वहाँ ब्लड भी था। इतने में करण ऊपर से आ जाता है और उसे बचाता है, साथ ही साथ उसे डांटता भी है कि हमारे पीछे टेररिस्ट लगे हुए हैं। उसने उसे हॉस्पिटल में ही रहने को कहा था, लेकिन वो उठकर चलने फिरने लग गई। अब उनका पीछा करते हुए वहाँ पर भी वो लोग पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उनके पास एक ही सॉल्यूशन था, करण अपनी जान को खतरे में डालता है और फिर एक बॉम्ब लेता हुआ बाहर जाता है, जिसे उसका फ्रेंड फायर करके उन सारे टेररिस्ट्स को डॉज करता है। करण जख्मी हुआ था लेकिन बच गया था। उसके बाद वो लोग जान बचा कर वहां से निकल जाते हैं। करण ने एक दफ़ा दोबारा से आइरीन की जान बचाई थी, लेकिन वो आता है और उससे लड़ने लगता है। उस पर गुस्सा करता है कि तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुनती हो, आज तुमने दो दफ़ा खुद को खतरे में डाला, मेरी ड्यूटी को मुश्किल बनाया। वो उससे बहुत सख्ती से पेश आ रहा था, वो उसे बहुत सख्ती से ट्रीट कर रहा था, लेकिन आइरीन भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वो एक नॉर्मल इंसान थी, कोई कमांडो नहीं थी जो उस सिचुएशन को समझ सकती। और फिर रिट और पार्ट आकर किसी तरह से उन दोनों को शांत कराते हैं। एक्चुअली करण उस वक्त अपसेट हुआ था जब उस टेररिस्ट लड़की ने उसे धमकी दी थी कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी। वो मीना की तरह से अब आइरीन को नहीं खोना चाहता था, ये वही गैंग था, वो जान चुका था। अब करण ने आइरीन को एक सेफ प्लेस पर लेकर जाना था, लेकिन वो देखता है कि उसके हैंड में पेन हो रही है तो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है और साथ में खाना भी। लेकिन आइरीन कहती है कि ये घाव मुझे तुमने दिया है, मेरा हाथ मोड़कर। और साथ ही वो मुंह में बड़बड़ाती है, शक्ल से इतना हैंडसम कूल लग रहा था, गुस्से में जंगली जानवर बन जाता है। पायलट की हेयरिंग स्किल्स अच्छी होती है, उसने सुन लिया था कि इसने मुझे जंगली जानवर बोला। लेकिन वो कहती है, पहले हिस्से पर गौर करो, हैंडसम भी तो बोला ना। उधर से दिखाते हैं कि ऑफिसर थॉर्न ने करण को कहा था कि वो लोग अभी भी तुम लोगों का पीछा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम इसको एक सेफ प्लेस पर ले जाओ। सेफ प्लेस कौन सी होगी ये फोन पर मुझे ना बताना, कॉल्स भी टेप हो सकती हैं।
अब एक दफा उनका पीछा करने वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जंगल में करण आइरीन को अपने साथ दौड़ाता हुआ एक जगह पर ले जाता है और उनको मिसगाइड करता है। एक्चुअली वो एक मोबाइल वैन थी जो कि उसके एक फ्रेंड की थी। यहाँ पर वो लोग रात बिताने का फैसला करते हैं। आइरीन उसके लिए स्टेक्स बनाती है, लेकिन यहाँ पर उसका अपना हाथ जल जाता है। करण उसकी हेल्प करता है, उसे मेडिसिन लगाता है। इतने में उनका एक स्टेक पूरी तरह से जल गया था। अब जो बचा था वही उनका खाना था, जिसे वो शेयर करके खाते हैं। और उसके बाद उसी वैन में वो लोग सो जाते हैं। करण आइरीन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। जब सुबह आइरीन उठती है तो वो तो करण के शोल्डर पर थी, कैसे पहुंची उसे खुद भी नहीं पता था, लेकिन वो बहुत ऑकवर्ड फील करती है। उसके बाद करण उसको एक और सेफ प्लेस पर लेकर जाता है, जो कहता है कि मेरा सीक्रेट घर है। यहाँ पर हर जगह उनकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। वो एक दूसरे को बातें लगाते रहते हैं, लेकिन लगा था कि इस घर में करण की कुछ पुरानी यादें हैं जो उसको हर्ट कर रही हैं। वहाँ पर एक कपबोर्ड थी जिसके अंदर कुछ गर्ल्स के कपड़े थे। ये देखकर आइरीन उसे बहुत क्वेश्चन करती है कि ये किसके हैं, लेकिन वो कह देता है कि ये मेरी मामा के हैं। लेकिन आइरीन को अंदर अंदर बहुत शक हुआ था कि इसके घर में किस लड़की के कपड़े हैं। वो बहुत जेलस फील कर रही थी, लेकिन करण ने उसे कह दिया था कि मैं कुछ चीज़ें लेने बाहर जा रहा हूँ, तुमने ना बाहर निकलना है और ना ही कोई उल्टी हरकत करनी है। उसके बाद वो ऑफिसर थॉर्न को कॉल करके बताता है कि मैं आइरीन को अपने और मीना के ब्राइडल हाउस पर लेकर आया हूँ। ऑफिसर थॉर्न भी ये सुनकर सैड हो जाते हैं। एक्चुअली मीना उन्हीं की ही बेटी थी। उसके बाद आइरीन जब शावर ले रही होती है वो बाहर निकलती है। थोड़ी सैड थी, स्ट्रेस में थी, परेशान थी अपने डैड के लिए। उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, वो डर जाती है कि फिर से कोई उसके पीछे आ गया है। आइरीन बहुत डर गई थी और उधर से वो लेडी भी हैरान थी कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। आइरीन अपने आप की सेफ्टी के लिए वहाँ पर एक गन तलाश करती है और अपने हाथ में पकड़कर उस लेडी का पीछा करने लगती है। अब वो लेडी कौन है ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड वो डर के मारे गन उड़ा लेती है, क्योंकि उसे लगा था कि कोई टेररिस्ट उसके पीछे फिर से आ चुका है, लेकिन एक्चुअली वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि डॉक्टर करण की अपनी मामा थी। आइरीन बेचारी अभी नहा कर निकली थी, चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, लेकिन ये सारा कुछ देखकर मामा के ऊपर बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ जाता है कि ये कैसी लड़की है। और हद तो तब पार होती है जब वो उन पर गन उठा लेती है और उनके पीछे पीछे भाग रही होती है उन्हें मारने के लिए। जब तक आइरीन को पता चलता है कि ये लेडी कौन है तब तक बहुत बुरा डैमेज कॉज हो चुका था। अब करण भी आ गया था और मामा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। अब आइरीन और करण दोनों उनसे बहुत सॉरी करते हैं, लेकिन मामा कोई बात भी सुनने वाली नहीं थी। और जब आइरीन सुनती है कि ये करण का ब्राइडल हाउस है तो ये सुनकर तो उसका भी मूड बहुत खराब हो जाता है। और मामा करण को बातें लगाने लगती हैं कि तुम ऐसी वैसी लड़की को घर पर लेकर आ गए हो। आइरीन अब गुस्से में तपी हुई सारा सच बताने वाली होती है, लेकिन करण उसे रोक लेता है। एक्चुअली उसकी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी कि वो अपना कोई भी सीक्रेट या मिशन अपनी मामा से भी शेयर नहीं कर सकता था। वो आइरीन को साइड पर लेकर जाता है। आइरीन को ज़्यादा गुस्सा तो इस बात का था कि ये उसका ब्राइडल हाउस है, मतलब कि उसकी कोई तो फियांसी या गर्लफ्रेंड है, और दूसरी बात ये कि उसकी मम्मी के सामने आइरीन का इमेज बहुत ख़राब हो गया था। करण कहता है कि जिस टाइप की तुमने नाइटी पहनी हुई है मूड तो मेरी मामा का ज़रूर ख़राब होगा। अब तब बड़ा मज़ा आता है जब वो उसे एक चांटा लगाती हुई वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो उसे देख रहा था। फिर आइरीन कपड़े चेंज करते हुए उसे यही कहे जा रही थी, आज तुम्हारी मामा मुझे बातें सुना रही हैं, कल को तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी और मुझे चौक पर खड़ा करके मारेगी, तब मैं क्या करूँगी। लेकिन करण को एक ज़बरदस्त सा आइडिया आया था और वो आइरीन को कहता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो, मेरी मम्मी को यही जाकर बताते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आइरीन को तो ये सुनकर गुस्सा आने लगता है कि सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड और असल फियांसी कोई और, मुझे इसने समझ क्या रखा है। यहाँ पर लड़ते लड़ते करण आइरीन के ऊपर ही गिर जाता है और ऐन उसी टाइम पर मामा भी कमरे में आ जाती हैं। वो तो बस कोशिश ही करती रहती है कि मैं किसी तरह से बेहोश हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाती। अब नेक्स्ट सीन में यही दिखाते हैं कि करण अगली सुबह आइरीन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। इतने में उसे कुछ आवाज़ आती है कि जैसे घर में कोई आया हो। वो आइरीन से कहता है कि कोई तो घर में घुसा है, इसलिए तुम ऊपर जाओ और खामोशी से नाश्ता करो, अपनी जान बनाओ, उसके बाद शायद हमें यहाँ से कहीं मूव भी करना पड़े। एक्चुअली वाकई कोई घर में आया था और वो कोई और नहीं बल्कि करण का ऑफिसर था। लेकिन आइरीन को तो लगा था कि करण ने उससे झूठ बोला है, क्योंकि ना तो कोई फाइट की आवाज़ आ रही थी ना ही कोई गन्स चलने की।
वो उससे कहती है कि तुमने मुझे स्टूपिड समझ रखा है क्या, लेकिन इतने में वो उसे अपने बॉस के पास लेकर जाता है। अब ऑफिसर थॉर्न अकेले में आइरीन से बातें करते हैं और उसे बताते हैं कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी आइडेंटिटी चेंज करो और एक फेक मैरिज दुनिया के सामने शो करो, ऐसे लगे कि जैसे करण और तुम हस्बैंड वाइफ हो। इस तरह से उन लोगों को तुम तक पहुँचने में या पहचानने में मुश्किल होगी। आइरीन को तो उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनना एक्सेप्ट नहीं था और ऑफिसर तो उसे फेक वाइफ बनने को कह रहा था। अब ऑफिसर थॉर्न उसे समझाते हैं कि अगर तुम ओवरसीज भी चली जाओ तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मैं तुम्हें ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दे पाऊंगा जो मैं तुम्हें यहाँ दे सकता हूँ। और उसके बाद हमें एक और बात पता चलती है कि आइरीन के डैड ने जो हार्ट डिस्क डिस्ट्रॉय की थी उसमें एक्चुअली सारे रिसर्चर्स में लगी हुई चिप का डाटा था। ऑफिसर को यही डर था क्योंकि हार्ड डिस्क वो लोग डैमेज हुई भी उठाकर ले गए थे, कल को वो डाटा उसमें से रिकवर करके आइरीन तक पहुंच सकते हैं। वो चिप डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती थी क्योंकि उसके वेन के करीब थी, और उस चिप को कैसे डिस्ट्रॉय करना है ये सारी डिटेल्स भी उसी हार्ड डिस्क में थी। मतलब कि अब आइरीन की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी जैसे ही वो हार्ड डिस्क रिकवर होगी। उधर कैप्टन करण अपनी मामा को मनाने के लिए जाता है, लेकिन मामा को लगा था कि उनका लड़का हाथ से निकल गया, बिगड़ गया, ऐसी वैसी लड़कियां घर पर लेकर आता है। लेकिन फिर वो तीनों मिलकर नाटक करते हैं करण की मामा को समझाने के लिए। ऑफिसर थॉर्न कहते हैं कि आइरीन मेरी भतीजी है और इन दोनों की यूएसए में मुलाकात हुई थी 2 महीने पहले, इनको एक लम्हे में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी भी रजिस्टर करा ली। अब तो बस मामा को हार्ट अटैक आना रह गया था। पहले तो उनको लगा था कि सिर्फ गर्लफ्रेंड है, अब पता चला था कि शादी भी हो चुकी है। मॉम कहती हैं यकीनन करण ने इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया होगा, तभी तो इन्होंने जल्दी जल्दी शादी की है। अब आइरीन को अपनी बहुत इंसल्ट फील होती है, लेकिन ऑफिसर थॉर्न यकीन दिलाते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं, बल्कि ये दोनों प्यार में पड़ गए हैं। और करण एक्टिंग करते करते अपना प्यार प्रूफ करने के लिए उसे वहाँ पर किस भी करता है। अब जब बाकी लोग घर से चले गए थे तो करण आकर आइरीन से कहता है अब तुम इजी हो, हमें लवर्स होने का और नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। आइरीन कहती है अच्छी बात है, वैसे भी मैं एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। करण तो बहुत कहता है के ड्रामास तो तुमने देखे होंगे, मुझे कोई कोरियन ओप्पा ही समझ लो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वही हॉस्पिटल जहाँ पर उनकी रिसर्च चल रही थी, आजकल कोई नया फंडर वहाँ पर पहुँचा था और वो कैंसर के पेशेंट्स को फंड्स दे रहा था। उसका नाम मिस्टर जैसन था, एक्चुअली वो टेररिस्ट्स का सबसे बड़ा लीडर था और वो उस हॉस्पिटल में फंड्स देकर अपनी जड़ें इसलिए जमा रहा था क्योंकि उसे पता था कि आइरीन यहीं पर रिसर्च करती थी, उसका पता यहाँ से ज़रूर मिलेगा। वो एकदम इतना अच्छा और नेक बनने की कोशिश करता है। एक दफ़ा उसकी मुलाकात तॉन से भी होती है, उसे पता था कि ये बच्चा आइरीन से कितना क्लोज है, लेकिन तॉन उसे कोई भी बात करता उससे पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब दोपहर को आइरीन करण को देख रही थी, उसे पता चल गया था कि वो पीछे खड़ी है। उसे कहता है खाना चाहिए तो फ्रिज में तलाश करो, मुझे खाने वाली नज़रों से ना देखो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पर इंटरनेट भी नहीं था और आइरीन बहुत बोर हो गई थी। वो घर में घूमते फिरते वही वाली फियांसी की और करण की इकट्ठी फ़ोटो देख लेती है। अब करण भी आ जाता है और ये देखकर उसका मूड बहुत ख़राब होता है। वो उससे लड़ता है कि मेरी चीज़ों को क्यों हाथ लगाया। एक्चुअली मीना की फ़ोटो देखकर यादों की वजह से उसका मूड अपसेट हो जाता था और वो सारा गुस्सा आइरीन पर निकालता था। आइरीन उसे कहने लगती है कि मुझे इस ब्राइडल हाउस में लेकर ही क्यों आए हो, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही मसला है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब करण उसे रोकने की कोशिशों में उसे उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है और उसके हैंड कफ कर देता है। लेकिन आइरीन को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो उससे कहती है कि तुम्हारी फियांसी तुमसे नाराज होकर इस ब्राइडल हाउस को छोड़कर चली गई है और ना ही तुमसे शादी की है क्योंकि तुम इतने गुस्से वाले और बदतमीज हो, जंगली जानवर से कौन शादी करेगा, इसलिए मुझ पर गुस्सा निकालने की बजाय जाओ और अपनी फियांसी को मनाओ प्यार से। अब करण ये सुन सुनकर दुखी हुए जा रहा था और वो थी कि बोले चले जा रही थी। वो उसे जोर से पकड़कर गिराता है और कहता है कि वो मर चुकी है, मीना कभी वापस नहीं आ सकती चाहे मैं उसे कितना भी मनाने की कोशिश करूं। अब आइरीन को रियलाइज हुआ था कि वो करण को कितना दुखी करती रही है। इतने में करण को डॉक्टर पार्ट का फोन आता है और उनको पता चलता है कि तॉन की हालत बहुत बिगड़ गई है। आइरीन तॉन से बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह से। वो बहुत तड़पती है और करण से रिक्वेस्ट करती है कि एक दफ़ा मुझे उसके पास ले जाओ क्योंकि हमारे पास एक लास्ट होप बाकी है। आइरीन बताती है कि वो मेडिसिन हमने उस पर टेस्ट करनी थी, हो सकता है उससे उसकी जान बच जाए, वो मेडिसिन उसके डैड ने कहीं छुपा कर रखी हुई थी। अब डॉक्टर पार्ट को दिखाते हैं, वो भी उनकी नाटक का हिस्सा बन चुकी थी और उसे पता था कि यहाँ बहुत से लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं। वो सबके सामने यही कहती है कि तॉन की डेथ हो चुकी है, अब इसकी डेड बॉडी को संभाला जाए।
उन गुंडों को लगा था कि आइरीन जरूर इस बच्चे की डेड बॉडी या फ्यूनरल पर आएगी। वो उसका पीछा करने लगते हैं जो भी स्ट्रेचर पर था। इतने में वहां पर पता चलता है कि एक कमांडो था और वो उस बच्चे को लेकर भाग रहा है, मतलब कि वो बच्चा जिंदा है। अब वो टेररिस्ट उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगते हैं। इतने में वहां पर उनकी थोड़ी देर गन्स से फाइट होती है और इन दी एंड उन टेररिस्ट को पता चलता है कि उनको एक ट्रैप में फंसाया गया था। यहां पर तो कोई बच्चा नहीं था, बच्चा तो हॉस्पिटल में था। अब हॉस्पिटल में टॉन के पास आइरीन पहुंच चुकी थी। उनके पास टाइम बहुत लिमिटेड था, वो उसी मेडिसिन का उस पर यूज करते हैं जो उन्होंने उसी पर टेस्ट करनी थी। एक लास्ट होप थी कि शायद इसके थ्रू इसकी जान बच सके। ये सारा कुछ करने के लिए करण ने उसकी हेल्प की थी। वहां पर ऑफिसर थॉर्न भी पहुंचा हुआ होता है। करण तो उन टेररिस्ट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चला गया था ताकि पीछे वो लोग टॉन को मिलिट्री हॉस्पिटल तक मूव करा सके आइरीन के साथ। उधर करण अपने बाकी कमांडोज के साथ उन टेररिस्ट का रास्ता ब्लॉक करता है। थोड़ी देर फाइट होती है और इन दी एंड वो लोग वहां से भाग जाते हैं। आइरीन और टॉन को अब हेलीकॉप्टर के थ्रू उस हॉस्पिटल से मूव कराया जा रहा था। लेकिन आइरीन को फिक्र थी किसी की, तो वो करण की थी, क्योंकि वो अपनी जान को दांव पर लगाकर उसको एक चांस दे रहा था। वो परेशान होती है कि उसे कुछ हो ना जाए। इतने में करण पीछे से आता है तो आइरीन उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे तंग करने के लिए कहता है, पहले तो तुम मुझे सिर्फ जंगली जानवर बोलती थी, अब क्या तुम मेरे मरने के बारे में सोच रही थी? लेकिन आइरीन के मुंह से निकल जाता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र हो रही थी। और ये सुनकर करण बहुत खुश होता है। और उसके बाद आइरीन वहां से एक सेफ प्लेस पर मूव कर जाती है। आइरीन अब एक मिलिट्री बेस पर थी, लेकिन वहां पर उसे बहुत पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उसके पास इंटरनेट भी नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत बोर हो गई थी। और साथ ही साथ वो अपना इरादा भी वहां के कुछ लोगों को बताती हैं कि मैं अपने एक फ्रेंड डॉक्टर विट से बात करना चाहती हूँ, उसे ईमेल करना। लेकिन वो लोग परमिशन नहीं देते, क्योंकि करण मिशन पर गया था, उसने जो कहा था उन्हें वो ही फॉलो करना था। उधर करण को दिखाते हैं वो अपने ही एक मिलिट्री के फ्रेंड जो कि कुछ गुंडों के पास जानबूझकर पकड़ा गया था, उससे मिलने के लिए गया हुआ था। करण भी जानबूझकर उन गुंडों से पकड़ा जाता है और उसके बाद वो दोनों मिलकर उनकी बहुत ठुकाई लगाते हैं। करण ने एक्चुअली उस फ्रेंड को इसलिए ढूंढा था क्योंकि चैन इसी तरह के कामों में बहुत माहिर था। वो चाहता था कि डॉक्टर विट का ये लड़का पता चलाए उसके लिए। जबकि उधर आइरीन बहुत अपसेट थी, उसका वहां पर मन भी नहीं लग रहा था। हर टाइम पर ऊपर से जहाज गुजरते रहते थे और उस बेचारी को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। लेकिन करण ने ऑर्डर किया था उसकी रिसर्च लैब से बहुत सारा सामान उसके पास भिजवाते हैं और उसे यही टास्क देते कि पता चलाए ब्लैक आयरन उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। ये राज सिर्फ उसके डैड जानते थे और अब आइरीन भी पता चलाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा कौन सा फार्मूला या कौन सी रिसर्च है जिसके पीछे वो लोग पड़े हैं। जबकि उधर करण को उसका फ्रेंड छेड़ रहा होता है कि डॉक्टर विट को तलाश करने में तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन मुझे पता चला है कि वो लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है और तुम लोगों का मैच भी बड़ा अच्छा हो रहा है, सिर्फ तुम एक सिंगल रह गए थे, लगता है कि तुम्हें भी कोई मिलने वाला है। करण ये सुनकर हंसने लगता है और शर्मा जाता है कि डॉक्टर विट एक जगह पर जख्मी हो जाता है और उसके बाद वो खुद ही हॉस्पिटल पहुंचता है। पुलिस उसकी तलाश में वहां पहुंची थी, लेकिन वो उनके आने से पहले ही वहां से गायब हो जाता है, बल्कि डॉक्टर पार्ट का सारा डाटा भी उस कंप्यूटर से निकाल लेता है। डॉक्टर आइरीन ने अपनी सारी रिसर्च को एक दफ़ा दोबारा एक और एंगल से देखने की कोशिश की थी और उसे कुछ तो पता चला था जो अभी हमें नहीं बताते। बाद में वो थक कर सो रही होती है कि ऊपर से कैप्टन करण आता है और उसको ऐसे देख रहा होता है। अचानक से आइरीन की आंख खुलती है, वो उसे एक कप कॉफ़ी मांगती है एक स्माइल के साथ। टॉन तो हॉस्पिटल में एडमिट था, अंडर ऑब्जर्वेशन था, लेकिन आइरीन कहती है कि अब मेरे से और यहाँ नहीं ठहरा जाता क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती शोर की वजह से। और इसके साथ ही आइरीन डॉक्टर विट के बारे में उससे पूछती है, लेकिन वो कहता है अभी मुझे कोई भी न्यूज़ नहीं मिली। इतने में करण को अपनी मामा की तरफ से एक कॉल आती है। एक्चुअली विट करण की मामा के पास पहुंचा हुआ था, उसने डॉक्टर पार्ट का सारा आता पता निकाल लिया था और उसे पता था कि वो करण की कजन है। अब करण विट से बात करता है। विट साइट पर जाकर उससे कहता है कि अभी के अभी मुझे आइरीन से मिलना है, अगर तुम दोनों ने पहुंचने में थोड़ी भी देर लगाई तो तुम्हारी मामा की सेफ्टी की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब करण जब ये सुनकर आता है तो सारा गुस्सा वो आइरीन पर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मेरी मामा को हॉस्टेज बनाया हुआ है और तुम उसकी साइड लेती हो, वो बहुत बुरा इंसान है, मुझे तो लगता है वही टेररिस्ट के साथ भी मिला हुआ है। लेकिन आइरीन का कहना था कि जब तक मैं खुद उससे बात नहीं करती मुझे तसल्ली नहीं होगी, प्लीज मुझे ले चलो। अब करण आइरीन को अपने घर ले जाता है और अपने कुछ कोलीग्स को बाहर गार्ड बनाकर बिठा जाता है।
सबसे पहले तो मामा आइरीन को बहुत बातें सुनाती हैं कि तुमने मेरे बेटे को दीवाना बना दिया है, मुझे पता ही नहीं होता कि ये कहाँ रहता है, पता नहीं तुम लोग कहाँ गए हो। ऐसी ईवल बहू मुझे कभी भी नहीं चाहिए। और इसके साथ ही वो फिर से फेंट होने की एक्टिंग करती हैं, पर उनसे हुआ नहीं जाता। करण तो पहले ही बहुत परेशान था, वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता हुआ उनके सामने से निकल जाता है कि प्लीज मेरे पीछे मत आना। उधर विट जब आइरीन से बात कर रहा होता है तो वो उसके क्लोज आकर बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन करण सेफ्टी पर्पस की वजह से उसे उससे दूर करता रहता है। जब वो नहीं हटता तो एक दफ़ा वो गन ही निकाल लेता है कि फासले पर रहो और हमारे सारे सवालों के जवाब दो। अब ये सारा कुछ दूर खड़ी करण की मेड भी देख लेती है और उसको ऐसा ही लगता है कि जैसे एक लड़की के पीछे दो लड़के लड़ रहे हैं। वो जाकर मामा को बताती है और मामा तो परेशान हो गई थी कि मेरे बेटे ने अपने यूनिफॉर्म का ऑनर भी गंवा दिया, इस के पीछे गन निकाल ली, और अब वो फिर से बेहोश होना चाहती थी। अभी विट ने तो इतना कुछ बताया नहीं था, लेकिन जो गन करण के पास थी वो बहुत छोटी थी। मामा उससे भी बड़ी गन निकाल कर सामने आ जाती हैं और कहती हैं कि अपनी वाइफ को उसके एक्स हस्बैंड के साथ जाने दो, ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। अब आइरीन हैरान हो रही थी कि ये कहां से मेरा एक्स हस्बैंड हो गया, और वो भी दो दो, जबकि मेरी शादी भी नहीं हुई। अब करण परेशान था, वो किसी तरह से अपनी मामा को हैंडल कर रहा था कि इतने में विट आइरीन को पकड़कर वहां से भाग जाता है और करण को उसकी मामा ही पकड़े रखती हैं कि जाने दो इस लड़की को, ये तुम्हारे काबिल नहीं। उनको तो यही लग रहा था कि ये दोनों सिर्फ एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं। उधर विट आइरीन को कहता है कि तुम एक दफा मेरे साथ चलो, मैं वो रिसर्चर नहीं जिसने तुम लोगों को धोखा दिया था, बल्कि मेरे पास कुछ और एक्सप्लेनेशन है और हम मिलकर उसको तलाश करेंगे जिसने हम सबको धोखा दिया है। आइरीन भी सच जानना चाहती थी, वो एक दफ़ा उसके साथ ही चली जाती है। जब तक करण आता है वो लोग निकल चुके थे, लेकिन उनका पीछा भी कोई कर रहा था। विच आइरीन को एक पोर्ट पर लेकर जाता है और उसे यही एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरे पीछे टेररिस्ट नहीं लगे हुए, बल्कि वो माफिया के लोग हैं। एक्चुअली वो फुटबॉल गैम्बलिंग में पड़ा हुआ था और उसने उनके बहुत सारे मिलियंस वापस करने थे, इसी वजह से वो उसके पीछे पड़े हुए थे। जबकि खुद करण को एमरजेंसी में उसका डिटेक्टिव फ्रेंड चैन खानिन मिलने के लिए बुलाता है और वही बताता है जो उस टाइम पर विट आइरीन को बता रहा था। वो उनकी रिसर्च लैब का गद्दार नहीं था, बल्कि उसके पीछे और लोग पड़े हुए थे जो माफिया थे और गैम्बलिंग से उसका ताल्लुक था। और उसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि बहुत से माफिया को डॉक्टर विट के सर की कीमत मिली है, मतलब सुपारी थी उसे मारने की जो उनको लगता था कि ब्लैक आयरन ने ही दी है। और उसके बाद हमें वो राज बताते हैं जिसकी वजह से ब्लैक आयरन आइरीन और उन लोगों की रिसर्च के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी वजह ये थी कि जो मेडिसिन वो बना रहे थे उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसी के फार्मूले को यूज़ करते हुए एक बायोलॉजिकल वेपन भी बनाया जा सकता था जो पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, वो ऐसा पॉइजन होगा। अब कैप्टन करण और उसके कोलीग्स उस पोर्ट पर पहुंच चुके थे। आइरीन तो विट को बहुत समझा रही थी कि तुम मेरे साथ चलो मिलिट्री की प्रोटेक्शन में, लेकिन विट को किसी पर भी भरोसा नहीं था। वो कहता है कि कल को यही लोग तुम्हारी अच्छी सी बार्गेनिंग करके तुम्हें उन्हीं टेररिस्ट के हाथों में दे देंगे, तुम इनको छोड़ो, तुम बल्कि मेरे साथ चलो। लेकिन इतने में वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और फाइट होने लगती है। करण यहां पर आइरीन को तो बचा लेता है, लेकिन विट एक बोट लेकर वहां से भाग जाता है। यहां पर जब फाइट हो रही थी तो आइरीन ने पहली दफा गोली चलाई थी, वो गन जो उसे करण ने दी थी उससे उसने करण की ही जान बचाई थी। उधर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर चिट वो आजकल थोड़े बीमार थे, उनके पास वही ब्लैक आयरन का सबसे बड़ा बॉस जिसका नाम जेसन था वो पहुंचता है और उसे बार्गेनिंग करने लगता है। वो नहीं मानते, कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें वो फार्मूला नहीं दूंगा, ये लोगों की जान बचाने के लिए है। तो वो उसके सामने उसी के ही कोलीग दूसरे डॉक्टर को लेकर आते हैं और उसके सामने उसे बहुत मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। उनके फ्रेंड की तो बस हो गई थी, वो गिव अप करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर चिट कहते हैं कि इसे क्या, तुम लोग किसी को भी ले आओ, लेकिन मैं तुम लोगों को फार्मूला नहीं देने वाला। उधर आइरीन बहुत परेशान थी, जिन हाथों ने हमेशा लोगों की जान बचाई थी आज उसने पहली दफा किसी की जान ली थी। करण उसे कहता है कि तुम अपसेट ना हो, देखो ऐसे सोचो कि अगर तुम उसको ना मारती तो वो मेरी जान ले लेता, मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं उन सारों को मार डालता, तुमने अब फिर से जान ही बचाई है। अब ये सुनकर थोड़ी तो आइरीन को तसल्ली होती है और उसके फेस पर स्माइल आती है। अब थोड़ी देर बाद आइरीन करण को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मेरा फ्रेंड विट मुझे इनोसेंट लगता है, हमें उसे तलाश करना चाहिए, मैं भी तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ उसे ढूंढने में।
लेकिन करण कहता है ये बहुत रिस्की है, इसलिए चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ और कल तुम्हारी मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, इसलिए उसकी तैयारी करो। तुमने उसे बहुत सी बातें समझानी होंगी अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अब आइरीन अंदर जाती है और जो भी कंक्लूजन्स उसने अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखे थे वो सब मिटाना चाहती थी। अभी नहीं बताना चाहती थी कि उसकी रिसर्च से बायोलॉजिकल वेपन भी बन सकता है। और उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे सामने आता है। हमें उस धोखेबाज का पता चलता है जो कि डॉक्टर चिट की टीम में था। वो था उसी का ही फ्रेंड डॉक्टर थीराप। वो नकली का ढोंग रचा रहा था उनके साथ कैद होने का, लेकिन असल में वही उनका दुश्मन था और वो ब्लैक आयरन के लिए काम कर रहा था। उनके लिए रिसर्च में एक डेंजरस वेपन बना रहा था जिसका नाम डेथ एक्स रखा गया था। लेकिन डॉक्टर चिट को आयरीन के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए असल फार्मूला आज तक वो जान नहीं सका था। उसी फार्मूले के थ्रू उनका डेथ एक्स बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और फिर इतने बड़े पॉइजनस हथियार के साथ वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे, अपनी मर्जी चलाएंगे और उसे महंगे दामों बेच भी सकेंगे। उधर खानीन को दिखाते हैं, वो करण से दोबारा मिलता है और उसे बताता है कि उसे अंडरकवर जाकर एक और भी इन्फॉर्मेशन मिली है। वो यही है कि डॉक्टर विट के साथ साथ उन्हें एक और बंदा तलाश करने का ऑर्डर हुआ है और वो ये है कि वो एक हैकर को तलाश कर रहे हैं जिसका नाम जॉनी था। ब्लैक आयरन को ये जॉनी हैकर इसलिए चाहिए था क्योंकि वो आयरीन में लगी चिप का किसी तरह से ट्रैकर उससे बनवाना चाहते थे ताकि आयरीन तक पहुँच सके। उधर हमें जॉनी को दिखाते हैं, वो भी बहुत चालाक था, अपने नेस्ट में छुपा हुआ था लेकिन उसने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी। अब एक गैंग उसके पीछे आता है, वो अपना सामान लपेटता है, गन उठाता है और वहां से भागने की तैयारी में होता है। उसे नहीं पता था कि करण भी उसे तलाश करने वहां पहुंचा हुआ है। पहले तो वो उस गैंग को ठिकाने लगाता है, उसने हर जगह अपने सेटअप लगाए हुए थे, स्मोक से उनको बेहोश करता है, उसके बाद निकल जाता है। आगे करण खड़ा होता है, वो उसके साथ भी यही सारा कुछ रिपीट करता है लेकिन करण फिर भी बच जाता है। उधर ब्लैक आयरन को भी एक बात पता चल जाती है कि जॉनी के पीछे सिर्फ वही लोग नहीं बल्कि कैप्टन करण भी पड़ा हुआ है। अब करण काफी परेशान हो गया था क्योंकि अगर उससे पहले जॉनी उनके हाथ लग गया तो फिर वो आयरीन को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। उधर आयरीन का आज बहुत मूड खराब था, करण ने उसे मीटिंग पर लेकर जाना था लेकिन वो उसे भाव ही नहीं दे रही थी। अपनी जीप के बाद वो लोग मिलिट्री हेलीकॉप्टर में जाकर बैठते हैं, वहां पर भी वो उससे कोई हेल्प नहीं मांगती जब उसे बेल्ट बांधने में दुश्वारी हो रही थी। करण ने नोटिस किया था कि ये उसे इग्नोर कर रही है। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, नर्वस थी क्योंकि उसने ना सिर्फ मंत्री से मिलना था बल्कि कमांडर इन चीफ से भी। करण उसको हिम्मत दिलाता है कि हर चीज ठीक हो जाएगी, बस तुम कॉन्फिडेंस से अंदर जाओ। लेकिन इससे पहले कि आयरीन उनको रिसर्च की कोई भी डिटेल बताती, कमांडर इन चीफ खुद ही कहने लगता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम लोगों के प्रोजेक्ट नादिया से एक बायोलॉजिकल वेपन भी बन सकता है। आयरीन ने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, वो ये सुनते ही एकदम परेशान हो जाती है और फिर उसे पता चलता है कि जब वो अपनी सारी रिसर्च पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी तो उसको कोई मॉनिटर कर रहा था। अब उसको ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये लोग एयरफोर्स वाले भी उसका वेपन यूज़ करना चाहते हैं, उससे फार्मूला मांगना चाहते हैं, इसीलिए उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। वो गुस्से में उनको बुरा भला कहती हुई वहाँ से भाग जाती है और फिर बाहर जाकर करण पे भी गुस्सा निकालती है एक चांटा मार के कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने वहाँ कैमरे लगवाए थे, मैं किसी को फार्मूला नहीं देने वाली, हमारी रिसर्च लोगों की जान बचाने के लिए है, कोई वेपन बनाने के लिए नहीं। अब करण अपने बॉस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आयरीन को जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जाकर बिठाता है और फिर वो मिनिस्टर उसे विश्वास दिलाता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुमसे कोई वेपन के लिए फार्मूला मांगेंगे, हमें कोई जहर नहीं चाहिए ना ही कोई बायोलॉजिकल वेपन, हम सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो और अगर हम कुछ वेपन्स बनाते भी हैं तो हमारी कंट्री की सुरक्षा के लिए होता है, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। और जहाँ तक कैमराज इंस्टॉल करने की बात है, ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर आयरीन कमांडर इन चीफ से एक ऐसी बात करती है, कहती है कि मैं इस मिशन का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं बाहर निकलकर अपने डैड को उस ब्लैक आयरन से बचाना चाहती हूँ और इसके लिए आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, ये रिक्वेस्ट थी उसकी। और ये रिक्वेस्ट अब कमांडर इन चीफ मान गए थे और उन्होंने यही ऑर्डर किया था कि अब छुपने छुपाने की ज़रूरत नहीं, बाहर निकलकर मुकाबला करो और करण अपनी बेस्ट टीम के साथ डॉक्टर आयरीन की पूरी हेल्प करेगा उसके प्लान में। अब आयरीन और करण बिल्कुल एक लेवल पर ही पहुंच चुके थे, उन्होंने एक ही टीम का हिस्सा बनकर काम करना था, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं था।
और यही तो आयरीन चाहती थी। अब कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं था, वो दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे को ऑर्डर भी कर सकते हैं, मिलके प्लान भी बना सकते हैं। करण को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन जितने बड़े ऑफिसर का ऑर्डर था वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। अब वो दोनों टेबल पर बैठे हुए होते हैं, दोनों का मूड बहुत खराब था। आयरीन उसे घूरे जा रही थी, खाने वाली नजरों से देख रही थी। बाद में उससे कहती है कि मुझे रियलाइज है, मैं सॉरी करती हूँ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने गलत नहीं किया, तुमने मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर किया। लेकिन अब बात कुछ और है, मैं खुद पर कैमरे लगाना किसी को अलाउ नहीं करूंगी। और फिर उसकी नजर अपने कमरे में एक टैडी बेयर पर पड़ती है जिसपे उसे शक था कि इसमें कैमरा है, और वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगती, ऑफिसर थोंग, आप मुझे देख रहे हैं ना, थोड़ी तो शर्म करें, आप मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं आप खामोश हो रही हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और साथ ही वो टैडी करण के ऊपर दे मारती है। उधर ऑफिसर थोंग भी हंस रहे थे कि कोई तो बात है इस लड़की में। वेल, अब सारे कैमराज उसके घर से रिमूव कर दिए गए थे, लेकिन करण कहता है अब तुम्हारे लिए खतरा और भी बढ़ गया है क्योंकि कैमराज नहीं, मेरी नजरें तुम्हें मॉनिटर करेंगी और वो भी 24 घंटे। और साथ ही वो उस पर रोप डालता उसके ऊपर चढ़ता चला जा रहा था कि कोई भी तुम्हारी सेफ्टी का इशू हो या तुम्हारी ट्रेनिंग हो, तुम मेरा हर ऑर्डर मानोगी, ये तुम अभी एक्सेप्ट कर लो। और ऑफ कोर्स आयरीन को अपनी बातें मनवाने के लिए उसकी बातें भी माननी पड़ेंगी। अब अगले दिन से आयरीन को सोल्जर्स के बैरिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि उसकी सोल्जर्स वाली ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी, और अब से वो ग्लासेस नहीं बल्कि कॉन्टैक्ट्स लगाएगी। करण उसका ट्रेनर था और उसकी फिजिकल ट्रेनिंग बहुत सख्त कर रहा था, उस बेचारी को बहुत दौड़ाता है और जब उससे भागा नहीं जाता तो कान में सीटी बजा बजा के उसके पर्दे ही फाड़ देता है। रोप क्लाइंबिंग में बेचारी को बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन करण उसकी एक भी नहीं सुनता। और तो और अगले दिन सुबह ही सुबह सीटियां बजा बजा के उसे जगाता है, वो नहीं उठती तो उसे बेड से भी गिरा देता है। फिर उसकी नजर उसकी शॉर्ट्स पर पड़ती है, तब आयरीन की आंखें खुलती हैं कि इसकी नजरें कहाँ जा रही हैं। आज आयरीन की शूटिंग की ट्रेनिंग थी, करण उसकी बहुत हेल्प करता है और उसको निशाना लगाना सिखाता है, वरना आयरीन तो बहुत डर रही थी। जब वो मिलकर एक अच्छा निशाना लगाते हैं तो करण और आयरीन एक दूसरे में खो जाते हैं। इस ट्रेनिंग की वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे। स्टार्ट में तो आयरीन को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा टाइम आता है कि करण उसे उठाने जाता है तो वो पहले ही रेडी हुई हुई थी, बहुत एंथुसियास्टिक थी और उसे उस ट्रेनिंग में मजा आने लगा था। अब कुछ दिनों बाद एक दिन ऐसा भी आता है जब उसने वो सारे माइलस्टोन्स अचीव कर लिए थे जो करण ने उसके लिए सेट किए थे। करण को अंदाजा नहीं था कि ये इतनी अच्छी लर्नर है। फिर भी करण उसके सामने यही कहता है कि ये तो 20% ट्रेनिंग भी नहीं है जो मेरे कोलीग्स करते हैं, तुम्हारी कैपेसिटी ही इतनी थी इसलिए तुम पर रहम खाया जा रहा है। और उसके बाद वो उसे एक और मिशन पर ले जाता है जो अब तक का सबसे डिफिकल्ट था। उसे चलते हुए प्लेन से पैराशूट के थ्रू एक जंप लगाना था। वो बहुत डरती है क्योंकि उसे हाइट से डर लगता था, पर यहाँ पर करण उसके साथ था। वो कहता है कि तुम्हारा ये डर मिटाना बहुत जरूरी है, तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो डरी हुई थी, वो कहता है बस मेरे पे विश्वास रखो और मेरे साथ ही खड़ी रहो, तुम मेरे साथ ही जंप करोगी। वो दोनों इकट्ठे जंप करते हैं और इन दी एंड वो सर्वाइव कर जाते हैं। करण कहता है तुमने अच्छा परफॉर्म किया, अब तुम मेरे सारे टेस्ट पास कर चुकी हो, अब हम एक टीम का हिस्सा हैं और मिशन पर जाने वाले हैं। अब करण ने उसे एक पेज दिया था जिस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी जो उन्होंने अपने कवर के तौर पर यूज़ करनी थी। आयरीन का क्या नाम है, वो दोनों कहाँ मिले थे, उनकी डेट कैसे स्टार्ट हुई थी, कब शादी हुई थी, ये सारा कुछ वो आयरीन को रट्टा लगाने को कहता है कि कभी भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उसकी एक कोलीग आती है और उसको मेकअप करके तैयार होने को कहती है। आयरीन को बहुत ऑब्जेक्शन थी, वो कहती है कि मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने और ना ही मैं इस तरह से रेडी हुई हूँ, लेकिन ये करण का ऑर्डर था। वो कहता है कि इस मिशन के लिए तुम्हारा गेटअप चेंज होना बहुत ज़रूरी है, जाओ और 2 घंटे में वापस आओ तैयार होकर। अब जब आयरीन एक ज़बरदस्त सा ड्रेस पहने अपना मेकअप कराए बाहर आती है तो करण तो उसे देखता रह जाता है। सिर्फ वो ही नहीं बल्कि मार्च करते हुए कुछ सोल्जर्स वहीं के वहीं रुक जाते हैं और उनको ऐसे लगता है जैसे हवाएं चलने लगी हैं। करण उन सारों को डांटता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आयरीन को उसके अलावा कोई और देखे। अब आयरीन को उन कपड़ों में शर्म आ रही थी और थोड़ी चलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो करण उसे ज़बरदस्ती उठाता है और गाड़ी में ले जाकर बिठा देता है, लेकिन उसके फेस पर एक मीनिंगफुल सी स्माइल थी आयरीन को इस लुक में देखने के बाद।
उधर जॉनी को दिखाते हैं, वो एक दफ़ा ब्लैक आयरन के हाथ लगने वाला था, लेकिन पीछे पुलिस आ जाती है। पुलिस और ब्लैक आयरन आपस में लड़ते हैं कि इतने में जॉनी भाग जाता है। मिस्टर जैसन की तो पर्सनैलिटी ही कमाल की थी, इतनी एज हो गई थी लेकिन अभी भी जब वो ट्रेनिंग करते थे प्रैक्टिस करते हुए 10-10 गुंडों को एट अ टाइम बहुत ठुकाई लगाते थे और ये उनकी रूटीन थी। लेकिन जब आज डेनियल उनके सामने आता है तो वो उसकी भी एक दफ़ा पंच लगा के ठुकाई करते हैं, क्योंकि उन्हें गुस्सा था कि डेनियल के आदमियों ने पुलिस वालों को मारा है। वो चाहते थे कि ये एहतियात करें, अगर ऐसे मसलों में बार बार उलझेंगे तो कहीं दुनिया के सामने एक्सपोज ना होना पड़े। यहाँ पर हमें ये फीलिंग आती है कि जैसे मिस्टर जैसन समझते थे कि उनका डेनियल इतना कैपेबल नहीं है जितने के वो हैं, और वो आगे ब्लैक आयरन को कैसे संभालेगा उनका सक्सेसर बनकर। करण और आइरीन अब एक बीच पर घूम रहे होते हैं। उन्होंने ऐसे ही प्रेजेंट करना था कि जैसे वो न्यूली वेड हैं और अपना हनीमून मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर उनके कुछ कोलीग्स भी इर्द गिर्द किसी और भेस में फिर रहे होते हैं। करण उसे कहता है कि अब तुम मुझे खुन खुन नहीं कहोगी बल्कि मुझे डार्लिंग कहा करो ताकि हमारी एक्टिंग में जान लगे। ये बातें तो वो दिल से कह रहा था, लेकिन आइरीन के सामने कहता है तुम्हें नाटक करना अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरा भी एक्टिंग करते हुए दम घुटता है तुम्हें डार्लिंग कहते हुए। उधर मिस्टर जैसन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें वो अपना एक प्रोजेक्ट दिखा रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन का। इसमें उन्होंने गरीबों के लिए भी बहुत सारी चैरिटी रखी हुई थी, लेकिन वहाँ पर एंट्री होती है एक नए करेक्टर की जिसका नाम था रिपोर्टर मिंत्रा। वो खड़ी होती है और उनसे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि आपका बिजनेस अंडरग्राउंड ड्रग्स से डील करता है और ये सारे प्रोजेक्ट्स आपका मनी वाइट करने का तरीका है। अब जैसन को दुनिया के सामने तो बहुत अच्छा बनना पड़ता है। वो उसे ऑफर करता है कि तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सारी इन्वेस्टिगेशन करा के दिखाऊंगा और सब सबूत भी दिखाऊंगा, हमारा रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। और फिर हमें पता चलता है कि ये मिंत्रा कोई आम लड़की नहीं है बल्कि उसी डिटेक्टिव खानीन की गर्लफ्रेंड है। मिस्टर जैसन की सेक्रेटरी अब मिंत्रा के पास आती है, लेकिन खानीन उन्हें वहाँ से भेज देता है और कहता है कि हमने आपसे बिल्कुल नहीं मिलना। बाद में वो मिंत्रा से कहता है कि इस इंसान से दूर रहो, ये सिर्फ ड्रग्स से ही डील नहीं करता बल्कि हमने सुना है कि इसका माफिया से भी लिंक है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़े दिन खामोश रहो। उधर करण और आइरीन को दिखाते हैं एक सीसीटीवी कैमरा लगाते लगाते वो दोनों इकट्ठे नीचे गिर जाते हैं और ज्यादा जख्मी करण हुआ था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरी कमर तोड़ दी है, अब सारा दिन मेरी नजरों के सामने ना आना। अब आइरीन उसकी डांट सुनने के बाद अपने कमरे में लेटी होती है और उस पर गुस्सा निकाल रही थी कि वो उसी के वॉशरूम से नहाने के बाद बाहर निकलता है। आइरीन तो उसे शर्टलेस देख नहीं सकती थी, लेकिन वो कहता है कि मेरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं इधर आ गया, और कपड़े पहनने की बजाय उसके पास पास आता जाता। आइरीन बहुत नर्वस हो गई थी, एक्चुअली कपड़े उसी के पीछे पड़े हुए थे। वो जाते जाते उसे डराने के लिए दोबारा कहता है कि मैंने तुम्हारा टॉवल यूज़ किया है, अगर वापस चाहिए तो अभी उतार दूँ क्या। आइरीन कहती है कि बेशक तुम हमेशा अपने पास रख लो लेकिन अभी यहाँ से जाओ। अब थोड़ी देर बाद करण को पता चलता है कि जॉनी की लोकेशन क्या है। वो अपने एक फ्रेंड के साथ वहीं पर जाता है और ब्लैक आयरन भी वहाँ पहुँचे हुए थे। एक दफ़ा जॉनी करण के हाथ लग जाता है, वो उसे वहाँ से ले जा रहा होता है कि सामने से ब्लैक आयरन आ जाते हैं। वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और करण सिर्फ दो लोग। अब ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती थी कि वो जॉनी को अपने साथ ले जा सकते। इतने में वहाँ पर डेनियल एंट्री करता है जिसे देखते ही करण की आंखों से खून निकलने लगता है, क्योंकि ये डेनियल ही था जिसने मीना पर गोली चलाई थी। करण से तो गुस्सा काबू नहीं हो रहा था, लेकिन खानीन उसे शांत कराता है कि अभी रिवेंज लेने का टाइम नहीं है। अब डेनियल उसकी नज़रों के सामने ही जॉनी को वहाँ से लेता आराम से निकल जाता है। करण सिर्फ गुस्सा करता रह जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। इतने में उनका बैकअप आता है तो करण बहुत एग्रेसिव हो गया था। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर डेनियल के पीछे जाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। खानीन बहुत मुश्किल से उसे संभालता है और बाद में भी जब वो शांत नहीं हो रहा था तो वो उसे काम करने के लिए उसे पहले एक पंच लगाता है उसके होश में वापस लाने के लिए, और फिर कहता है कि तुम अपने पास्ट को भूल क्यों नहीं जाते, मीना का बदला लेना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, प्रोफेशन और पर्सनल मैटर को अलग अलग रखो। अगर तुम रिवेंज लेने के लिए आगे बढ़ोगे तो फिर ये वर्दी उतारो, रिजाइन करो और फिर जो दिल में आए करो। उधर आइरीन भी बहुत परेशान थी, उसे पता चल गया था कि करण मिशन पर गया है और बहुत अपसेट है किसी पर्सनल वजह से। रात को लेट जब करण वापस आता है तो आइरीन उस पर गन ताने खड़ी थी। उसे लगा था कि कोई और अंदर घुसाया है, लेकिन करण उस पर चिल्लाने लगता है, बहुत गुस्सा करता है कि तुमने गन की सेफ्टी ऑफ नहीं की थी,
ऐसे तुम खुद को घायल करोगी। मैंने क्यों इतने दिन तुम्हारी ट्रेनिंग की जब तुम जीरो पर खड़ी हो। आइरीन एकदम सैड होती है कि मुझ पर चिल्लाने की क्या जरूरत है, लेकिन करण यही कह रहा था कि दोबारा से वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आइरीन तुम्हें कुछ हुआ तो मैं एज अ सोल्जर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा, फिर मुझे ये वर्दी पहनने का कोई हक नहीं होगा। उसके बाद करण की सारी पुरानी यादें आ रही थी, जिस तरह से मीना अपनी लास्ट फ्लाइट पर गई थी और उसके बाद उन्होंने अपनी शादी की वेकेशन लेनी थी, लेकिन उस बेचारी का वही प्लेन हाईजैक हो जाता है जो कि ब्लैक आयरन ने किया था। और जब ये न्यूज कैप्टन करण तक पहुंची थी तो उसके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। वो बहुत परेशान था और उसी को ही रेस्क्यू मिशन पर भेजा गया था। उन टेररिस्ट की यही डिमांड थी कि वो लोग पैसेंजर्स की सेफ्टी के बदले अपने लीडर डैनियल को छुड़ाना चाहते थे जो उस समय अरेस्टेड था। करण डैनियल को उसके टेररिस्ट साथियों के हवाले कर देता है और उसके बदले सारे पैसेंजर्स को उतारा जाता है, लेकिन सिर्फ एक मीना ही मिसिंग थी और वो लोग इन दी एंड मीना को अपने हाथों से मार कर वहाँ से भाग जाते हैं। अपसेट सा कैप्टन करण जब शावर लेकर बाहर आता है तो उसे खानिन की वही बात याद आती है कि पास्ट को भूल जाओ और जो लोग अभी तुम्हारी लाइफ में हैं, तुम्हारे साथी हैं, तुमसे प्यार करते हैं, उनकी खातिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। और इतने में उसे वो खाना तैयार दिखाई देता है जो उसकी खातिर उसके कमरे में डॉक्टर आइरीन ने बनाकर रखा था। अब वो शर्मिंदा था कि उसने उसे सख्ती से बात की। वो जाता है उसका थैंक्स करने, लेकिन आइरीन मुकर जाती है कि ये खाना मैंने तो बनाया ही नहीं। लेकिन करण उसके हाथों पर जले का निशान देख लेता है। उस बेचारी का हाथ भी जल गया था उसके लिए खाना बनाते हुए, क्योंकि वो इन कामों की आदि नहीं थी। अब करण को वो और भी स्वीट लग रही थी कि मैंने इसे डांटा और ये बेचारी मेरे लिए अपना हाथ जला बैठी। वो उसे अपने साथ बिठाता है, उसके हैंड पर मेडिसिन भी लगाता है और फिर उसे अपोलोजाइज करता है कि मैंने तुम्हें डांटा। आइरीन उसे रियलाइज़ कराती है कि किसी वजह से तुम्हारा मूड अपसेट हो तो उसका गुस्सा दूसरों पर निकालना अच्छी आदत नहीं, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी क्योंकि तुमने कोई कॉन्टैक्ट बैक नहीं किया और सुना था तुम्हारा मिशन भी फेल गया। करण खुश होता है कि इतने अरसे बाद कोई तो है जो मेरे लिए परेशान होता है, और फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एन टाइम पर पानी बॉयल हो गया था और उसने सीटी बजानी शुरू कर दी थी, तो ये मोमेंट तो उनका वेस्ट हो जाता है। उसके बाद करण किचन में जाकर आइरीन की हेल्प करता है और उसे चाय भी बना कर देता है। अब बात वहीं से शुरू होती है जहां से टूटी थी। करण कहता है मुझे खुद को संभालना चाहिए, मैं पास्ट में जाकर कुछ भी ठीक नहीं कर सकता और जो पास्ट में हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आइरीन उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देती है कि तुम ही हो जिस पे मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई सुरक्षा नहीं दे सकता, मुझे पूरा यकीन है। अब इस बात पर करण जो इनकम्प्लीट रह गया था वो कम्प्लीट कर देता है और आइरीन फिर शर्मा कर अंदर चली जाती है। वो खुश हुई थी लेकिन उसने करण के सामने इजहार नहीं किया था। करण के जो सबऑर्डिनेट्स थे उनको आजकल लग रहा था कि कुछ तो डिफरेंट है, हमारे बॉस का मूड भी अच्छा रहता है, वो बिना वजह के स्माइल करता है, कहीं डॉक्टर आइरीन और करण इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। और उनको ये बात तब कंफर्म भी हो जाती है जब आइरीन सिर्फ शर्मा रही थी और करण के साथ बैठकर नाश्ता भी नहीं करना चाहती थी। अब थोड़ी देर बाद करण को पता चलता है कि उसके साथी जो डॉक्टर विट के पीछे पड़े हुए हैं वो बार बार उनको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। करण समझ चुका था कि ये इस वजह से है क्योंकि वो मिलिट्री पर ट्रस्ट नहीं करता, जब उसे भरोसा होगा तो वो उनकी सेफ्टी में आना पसंद भी करेगा। अब आइरीन करण के एक कोलीग को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि मैं करण के पास्ट के बारे में जानना चाहती हूँ, और फिर उसे पता चलता है कि एक्चुअली करण का सामना जिस ब्लैक आयरन से कल हुआ था उसी ने ही मीना को ही मारा था, इसी वजह से तो कल करण अपसेट था। उधर जॉनी को दिखाते हैं, वो पकड़ा तो गया था लेकिन उसे गोली लगी हुई थी और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इस हालत में वो उनके लिए कोई भी काम नहीं कर सकता था, बल्कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अब ब्लैक आयरन को तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता और उनके लिए एक डिवाइस ट्रैकर रेडी नहीं कर देता आइरीन को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि करण के सारे कोलीग्स को इस बात का अंदाजा था कि वो आइरीन को अब खोना नहीं चाहता, और इसीलिए वो उसके लिए सिर्फ एक मिशन नहीं है बल्कि उसकी इमोशंस भी उससे जुड़ी हुई है। उनको यही लगा था कि मीना के बाद डॉक्टर आइरीन ही उसके दिल की तारों को हिलाने में कामयाब हुई है। थोड़ी देर बाद आइरीन को एक बच्चा आकर एक मैसेज देता है। एक्चुअली ये मैसेज डॉक्टर विट ने भेजा था। आइरीन उससे मिलने के लिए जाती है और आइरीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि विश्वास करो, एयरफोर्स हमारा बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाना चाहती, इसलिए तुम सुरक्षित रहोगे अगर मेरे साथ आए तो। लेकिन विट को किसी पर भरोसा नहीं था, भरोसा शायद आ भी जाता लेकिन उसके अपने ही प्लान्स थे। वो कहता है कि क्यों ना मैं ब्लैक आयरन के बीच जाऊँ
मैं अंदर जाकर किसी तरह से जॉनी को रोकने की कोशिश करूंगा कि वो ट्रैकर ना बना कर दे सके। अब करण इसी समय आइरीन को कॉल्स कर रहा था, लेकिन विट ने कहा था कि ये सब सीक्रेट रखना। करण को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो एक जगह पर जब उसे ढूंढता हुआ आता है तो वो वहाँ स्टडी कर रही थी। करण उसे समझाता है कि तुम हर वक्त अपनी मर्जी नहीं चला सकती, तो आइरीन कहने लगती है तुमने भी तो कल रात अपनी मर्जी चलाई थी। अब उनका टॉपिक बदल जाता है और करण कहता है जो कल मैंने किया था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, बल्कि उससे मेरी फीलिंग्स जुड़ी थी। वो फिर से किस करने लगता है, लेकिन ऊपर से उसके कोलीग्स आ जाते हैं और उनको डिस्ट्रैक्ट होना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद करण आइरीन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम झूठ बोलोगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा, तुम कहीं तो गई थी बिना मुझे बताए, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, सच सच बोलो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि करण के फ्रेंड्स को डॉक्टर विट नजर आ जाता है, लेकिन उसी समय ब्लैक आयरन भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये बात करण को पता चलती है तो वो भी उसी स्पॉट पर जाने लगता है। आइरीन जिद कर रही थी कि मैं भी साथ आऊंगी और उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है। और अब करण को पता चलता है कि आइरीन ने उससे क्या छुपाया था, डॉक्टर विट उससे मिलने आया था और उसके क्या इरादे थे। उधर डॉक्टर विट एक दफा सोल्जर के हाथ लग जाता है, लेकिन वो तो ब्लैक आयरन के हाथों पकड़ा जाना चाहता था। इतने में करण और आइरीन भी वहां पहुंच जाते हैं। आइरीन उसे समझाती है कि ये रिस्की है, पर विट का कहना था कि तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैं खुद को रिस्क में डाल सकता हूँ, अगर उन लोगों ने ट्रैकर बना लिया तो ये कैप्टन करण भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करूं तो शायद तुम मुझे फ्रेंड से बढ़कर कुछ और नज़र से देखो। इतने में टेररिस्ट वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो गोलियां चलाने लगते हैं। एक दफ़ा आइरीन को भी लगने वाली थी, पर करण उसके सामने आ जाता है और उसके हिस्से की गोली अपने ऊपर खा लेता है। अब डॉक्टर विट ब्लैक आयरन के हाथों पकड़ा जाता है। डेनियल उस पर गन तान लेता है और कहता है कि तुम हमारे किसी काम के नहीं। इतने में ऊपर से मिस्टर जैसन आते हैं और विट को कहते हैं कि एक मिनट में मुझे कन्विंस करने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास मेरे साथ बार्गेन करने के लिए क्या है। अब विट यही कहता है कि उस ब्रीफ केस में जो भी मटेरियल है, मैं आइरीन का दोस्त रहा हूँ, उस पर नजर रखता था, मुझे कोड पता है कि आइरीन ने क्या लगाया था, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उधर आइरीन बहुत परेशान थी, करण को गोली लगी थी। वो उसके कमरे में उसका हाल देखने जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी, इसलिए गोली उसके जिस्म में एंटर ही नहीं हुई। पर आइरीन बहुत रोती है, वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी खातिर करण ने अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि उसकी खातिर करण ने अपनी जान को दांव पर लगाया। वो बहुत रोती है और कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर जिंदा ना रह पाती। अब करण उसे शांत कराता है, उसके आंसू साफ करता है और कहता है कि कुछ समय मैं तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ। अब बाहर बैठा उनका सब ऑर्डिनेट हंस रहा होता है और पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर रहा था कि अंदर क्या चल रहा होगा। इतने में उनकी दूसरी कोलीग आती है, जिसको उनके बड़े कमांडर ने कहा था कि डॉक्टर करण से कहो मुझे रिपोर्ट सबमिट कराए मिशन से रिलेटेड। अब वो कमरे में जाना चाहती थी और दूसरा कोलीग उसे रोकता रह जाता है। अंदर करण और आइरीन दोनों अपने स्वीट मोमेंट्स गुजार रहे होते हैं। आइरीन तो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन करण कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, अपने फ्रेंड से मिलना छुपाया, इसलिए हमें बहुत लंबी बातचीत करनी होगी। आइरीन कहती है सिर्फ एक छोटे से झूठ पर तुम मेरा बहुत एडवांटेज उठा रहे हो। उसके बाद करण कहता है कि मेरी विश है काश समय यहीं कहीं रुक जाए, और फिर वो उसे एक किस करता है। अब एन टाइम पर उसके कोलीग्स कमरे में आ गए थे और उन्होंने ये सब देख लिया था। अब करण बात बदलता है और आइरीन को डांटने लगता है, कहता है कि तुमने मुझसे इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों छुपाई, और अभी जो कुछ हम बातें कर रहे थे ये कंटिन्यू रहेगी यहीं से आगे, और ये कहता हुआ वो कमरे से निकल जाता है। करण और उसका कोलीग बहुत परेशान थे एक इशू पे कि विट अब तक उनके हाथों तो लग चुका होगा, कहीं मारा ही ना जा चुका हो, क्योंकि वो ट्रेंड स्पाई तो नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर ही तो है। और साथ ही साथ हमें एक और बात भी पता चलती है कि करण और आइरीन के बारे में लवर्स होने की खबरें उनके सारी एजेंसी में फैल चुकी थीं, और ये वाला कोलीग भी यही सोच रहा था कि जो करण के लिए वो जूस लाई है वो ज्यादा स्वीट क्यों है, मेरे लिए तो फीका लेकर आई थी। उधर ब्लैक आयरन विट पर टॉर्चर कर रहे होते हैं, ये उसे टेस्ट करने का उनका अपना एक तरीका था। उसके बाद डेनियल और जैसन आपस में मशवरा करते हैं और इन दी एंड यही फैसला होता है कि जब तक जॉनी ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें विट को नहीं मारना चाहिए, शायद ये किसी काम आ जाए। उधर हमें करण और आइरीन को दिखाते हैं। करण उसे टॉन्ट कर रहा था, कहता है कि कल डॉक्टर विट ने तो तुम्हें एक तरह से प्रपोज ही कर दिया था, जिस तरह से कह रहा था मुझे फ्रेंड से ज्यादा किसी और नजर से देखो। अब आइरीन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, उसे लगा था कि जैसे करण उस पर शक कर रहा है कि वो बेवफा है। वो उसे लड़ने लगती है और यही लड़ना लड़ना उनके स्वीट मोमेंट्स में बदल जाता है।
एक्चुअली करण ने यह सब इसलिए किया था कि आइरीन अपने मुंह से बोले कि वो उसे लाइक करती है। अब आइरीन अपने मुंह से तो ये बोलती नहीं है, लेकिन करण कहता है तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारे दिल में क्या है मैं समझ सकता हूँ। और उसके बाद वो उसे एक किस करता है। एंड थैंक्स गॉड इस किस के टाइम पर कोई ऊपर से नहीं आता कि मिस्टर जैसन को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है, और वो यही थी कि उसके साथ काम करने वाले कुछ माफिया ग्रुप्स अब गवर्नमेंट से उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और जैसा एग्रेसिव उसका माइंड था वो ये बर्दाश्त करने वाला नहीं था। वो फैसला करता है कि उन सारों को ख़त्म कर देगा। ब्लैक आयरन ग्रुप बहुत डेंजरस था। अब उनको डैमेज पहुंचाने वाले जो लोग बाहर फिर रहे थे उनको भी वो मार देते हैं, और जो जेल में पड़े थे उनका भी किसी तरह से वो इंतज़ाम कर ही लेते हैं। उधर आइरीन और करण बीच पर बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब वापस आते हैं। उनके स्वीट मोमेंट्स को इकट्ठे दिखाया जाता है। करण कहता है कि हम में से जिसने भी प्यार स्टार्ट किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आइरीन बात लेकर आती है। उसके हेयर वेट थे। यहाँ पर करण उसके पास आता है और उसके हेयर ड्राई करने में उसकी हेल्प करता है। कैप्टन करण बहुत बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था। और यहाँ पर भी एक किसिंग सीन आता है। आइरीन और करण के साथ जो हर टाइम पर दो कोलीग्स रहते थे उनको दिखाया जाता है कि उनका भी एक बिकरिंग कपल बनने वाला है। थोड़ी देर बाद करण को एक न्यूज़ मिलती है कि ब्लैक आयरन के खिलाफ जो लोग भी जा रहे थे उनकी सस्पिशियसली एक ही दिन बहुत डिफरेंट तरीकों से डेथ हो गई थी। जो जेल में थे वो जेल में किसी न किसी लड़ाई की वजह से मारे गए। करण को पूरा पूरा शक था कि इसके पीछे ब्लैक आयरन का हाथ है। अब इसी बारे में वो अपने ऑफिसर से मीटिंग के लिए जा रहा होता है कि आइरीन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है और हग करती है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत परेशान थी। लेकिन करण उसे तसल्ली देता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर जैसन के सामने डॉक्टर विट ने यही शर्त रखी थी कि वो आइरीन का कोड उनको बताएगा, इस शर्त पर कि उसके बाकी जो दो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनको छोड़ दिया जाए और उसके बैंक में बहुत सारा पैसा भी ट्रांसफर किया जाए। लेकिन ब्लैक आयरन का कहना था पहले कोड बताओ और उसके बाद हमसे कोई बात करना। लेकिन विट कहता है मुझे बेशक मार भी डालो मैं ऐसे कोड नहीं बताऊंगा। उधर आइरीन देखती है कि उसके फोन पर विट ने एक लोकेशन सेंड की है, और उसके बाद जब वो लोग थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि डॉक्टर विट जिंदा है और वो किसी जगह पर ट्रैवल कर रहा है। उसने अपनी बॉडी में कहीं पर तो कोई ट्रांसमिशन डिवाइस छुपाई हुई थी जिसके थ्रू वो आइरीन को लोकेशन सेंड कर रहा था। वो लोग यही बात करण से शेयर करते हैं। करण उसी लोकेशन के करीब था तो वो कहता है कि मैं उनका पीछा करता हूँ। लेकिन आइरीन बहुत परेशान थी और उससे बार बार यही कह रही थी कि अपना ख्याल रखना। करण वादा करता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम परेशान ना हो। उधर ब्लैक आयरन बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ साथ डॉक्टर विट को भी एक बीच पर लेकर जाते हैं, और उनका इरादा था कि इन तारों को इकट्ठे मार दिया जाए और फिर इनकी लाशों को ठिकाने लगाया जाए। करण भी पीछा करता करता उसी जगह पर पहुंच चुका था। वो ज्यादा फोर्स अपने साथ नहीं लेकर गया था क्योंकि वो उनको अलर्ट नहीं करना चाहता था। उधर मार खाते खाते डॉक्टर विट के शूज में एक चीज सस्पिशियस थी जो ब्लैक आयरन ने देख ली थी। वो लोग देख लेते हैं कि इसके पास एक ट्रैकर है, और अब उनको यकीन हो गया था कि ये इंसान बिल्कुल बेकार है और किसी ने इसे हमारे पास भेजा है। उनका मन तो यही था कि इसे मार डालें, लेकिन फिर उनको ख्याल आता है कि इसका एक और अच्छा यूज भी हम लोग कर सकते हैं। इतने में कैप्टन करण भी वहां पहुंचता है और उधर फाइट स्टार्ट हो जाती है। करण फाइट करते करते एक बोट के पीछे छुपा होता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसे गोली लग जाती है और वो पानी की लहरों के साथ डूबता चला जाता है। ब्लैक आयरन बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती। उधर आइरीन भी बहुत परेशान थी, करण का कोई अता पता नहीं था। इतने में एक सोल्जर गर्ल उसके पास आती है और उसे खाना खाने को कहती है। आइरीन उसी पर ही अपना गुस्सा निकाल देती है कि तुम इतनी काम कैसे रह सकती हो, करण की जान खतरे में, पता नहीं उसे क्या हुआ होगा, तुम लोगों के दिल कैसे पत्थर के हैं। इतने में वो लड़की फट पड़ती है और कहती है हम अक्सर अपने साथियों को खोते रहते हैं, हमें इतना ही दुख है जितना तुम्हें है करण के मिसिंग होने का, लेकिन क्या करें हम रोए, हम खुद को वीक नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे किसी एक साथी के ख़त्म हो जाने से हम सोल्जर्स अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करते, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं और उनकी सुरक्षा हमने करनी है। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि कैप्टन करण ने जाने से पहले उसको यही मैसेज दिया था कि चाहे मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, आइरीन का ख्याल रखना तुम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि आइरीन का मिशन उसे मिला था, बल्कि इस वजह से था कि आइरीन उसके दिल में घर रखती थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि करण जख्मी हालत में बीच पर पड़ा होता है। यहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे इस तरह से देख लेती है और उसे उठाकर किसी तरह से अपने घर ले आती है। करण उसे बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
इतने में बाहर नॉक होता है। वो लड़की बाहर जाती है। वो वाकई ब्लैक आयरन के लोग थे जो उस वक्त एजेंसी के लोग बनकर करण को तलाश करते फिर रहे थे। लेकिन वो लड़की कोई मामूली इंसान नहीं लगती थी। वो जिस तरह से ब्लैक आयरन को धोखा देती है और एक बहाने से उन्हें चेकिंग करने से रोक के वहां से निकाल देती है। अब उनको भेजकर वो जैसे ही मुड़ती है करण बेहोश हो जाता है। अब वो लड़की उसका ख्याल रख रही थी और करण बेहोशी की हालत में बार बार आइरीन का नाम लिए जा रहा था। उधर आइरीन भी कोई थोड़ी दुखी नहीं थी। एक दफा उसे तॉन की कॉल आती है और तॉन भी उससे कैप्टन करण का पूछता है कि उसने मुझे फाइटर जेट करीब से दिखाने का वादा किया था, वो कब पूरा होगा। और ये सुनते ही आइरीन अपने आंसू नहीं रोक पाती। उसे करण की बहुत याद आ रही थी। उधर ब्लैक आयरन ने डॉक्टर विट का ये यूज किया था कि पहले तो वो उसे मार मार के टॉर्चर करके सारा बदला लेते हैं कि तुमने हमें उल्लू बनाने की कोशिश की, और फिर वो लोग उसे उसी सेल में फेंक देते हैं जहाँ पर बाकी दोनों डॉक्टर्स बैठे हुए थे। एक्चुअली ये जाल उन्होंने इसलिए बिछाया था ताकि जब विट आइरीन के डैड से मिलेगा तो उसे आइरीन का कोई ना कोई क्लू जरूर देगा जो उनके थ्रू भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। उधर करण जब होश में आता है तो उस टाइम पर वो लड़की नहा रही थी। वो उसके घर की तलाशी लेने लगता है। इतने में वो बाहर निकलती है और उस पर गन तान लेती है। कहती है कि मैं 3 रातें सोई नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए और तुम मेरे पे शक कर रहे हो। अब वो लड़की बहुत फियर्स हो गई थी। वो करण के हैंड कफ कर देती है और फिर उससे सवाल करने लगती है। करण भी हैरान था। उसके पास गन थी, वो अकेली रहती थी और इसके साथ साथ उसने जिस तरह से उसके घाव ठीक किए थे वो कोई मामूली नहीं बल्कि ट्रेंड लड़की लगती थी। लेकिन वो करण से उसके मिशन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो अपना नाम बताता है, अपने मिशन की डिटेल्स नहीं, क्योंकि ये एक ऑफिशियल सीक्रेट था। और फिर इसी तरह से करण उस लड़की को बातों में लगा ही रखता है और किस तरह से अपने हैंडकफ्स खोल लेता है उस लड़की को पता भी नहीं चलता। उसका नाम आंडा था। अब एक झटके से ही करण ने आंडा को काबू कर लिया था। आंडा को बहुत गुस्सा था कि मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझ पर हमला कर रहा है। लेकिन आंडा भी किसी से कम नहीं थी। यहाँ पर करण का वो पूरा मुकाबला करती है। इतने में करण देखता है कि खिड़की के बाहर से कोई घर में घुसने वाला है, तो वो दोनों अपनी फाइट छोड़ हाथ मिलाते हैं और फैसला करते हैं कि इनको तो हम ठिकाने लगाएंगे। अब जैसे ही वो गुंडे अंदर आते हैं वो लोग बारी बारी उनकी ठुकाई लगाते हैं। और करण बहुत हैरान था। जिस तरह से आंडा स्किल्ड थी और बहुत बहादुर लड़की थी, उसे वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन यहाँ पर उनका मुकाबला करते करते आंडा को एक गोली लग जाती है। उधर आइरीन को तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उसने सोचा था कि पता नहीं करण जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे। इतने में अचानक से उन लोगों को मैसेज मिलता है कि करण ने मिलिट्री से राब्ता किया है और वो वापस आ रहा है। अब करण आंडा को अपने साथ लेकर वहां आता है। आइरीन तो उसे देखते ही उसे हक कर लेती है। वो कितनी बेचैन थी इसका एहसास करण को था, लेकिन वो कहता है कि पहले मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। और फिर वो आंडा की बॉडी से बुलेट निकालता है और उसको स्टिचेस भी लगाता है। उसके बाद फिर से आइरीन उसे मिलने के लिए आती है। वो बहुत बेचैन थी। करण उसे सिर्फ इतना ही बता पाता है कि इस लड़की आंडा ने मेरी जान बचाई है। इतने में उसे अपने कमांडर को रिपोर्ट करनी होती है, तो वो वहां से निकल जाता है। अब आइरीन को तो नींद भी नहीं आ रही थी। करण जोर से उसके हाथ पकड़ता है। उसे नहीं अंदाजा था कि ये कौन था। अब आइरीन पानी पीने चली जाती है। वो उसके सामने नहीं कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बातें करने के लिए इतनी बेचैन थी। लेकिन करण पहचान गया था। वो उसे बिठाता है और कहता है कि तुम्हारा मूड इसलिए बहुत खराब है कि मैंने तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाई कि मेरे साथ क्या हुआ है, और तो और एक लड़की भी ले आया हूँ, तुम जेलस हो ना। देख लो, मैं 3 दिन 3 रातें उसी के साथ रहा हूँ उसके घर पर, तुम पोजेसिव हो रही हो। अब आइरीन ये सुनकर नाराज हो जाती है, तो करण उसे उठाता है और उसके बेड तक पहुंचाता है और खुद भी जबरदस्ती वहीं पर ही लेट जाता है। वो कहता है कि आइरीन सब बातें छोड़ो, बस जो लम्हे मुझे तुम्हारे साथ मिलते हैं मेरे लिए वही बहुत प्रीशियस होते हैं। अब आइरीन भी बहुत मुश्किल से उसे वहां बैठने के लिए 3 मिनट देती है। करण उससे एक्स्ट्रा टाइम मांगता है, लेकिन आइरीन कहती है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा दिया तो तुम सारी रात यहीं पड़े रहोगे। अब नेक्स्ट डे कैप्टन करण को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लड़की आंडा एक्चुअली पहले मिलिट्री में रह चुकी है। वो लेफ्टिनेंट थी, लेकिन 3 साल पहले उसने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वो कहां गई, क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन खत्म है, कोई भी पता नहीं है। अब उसके कोलीग्स को शक होने लगता है कि कहीं ये ब्लैक आयरन के लिए काम तो नहीं करती, और उन्होंने जान के धोखा देकर आपकी लोकेशन पता कराने के लिए इस लड़की को प्रेजेंट किया होगा। आइरीन ने भी ये बात सुन ली थी और उसे पूरा पूरा शक हो गया था आंडा पे, क्योंकि आंडा सस्पिशियस हरकतें कर रही थी। और वो एक दफा आइरीन को पकड़ भी लेती है।
आइरीन उसके काबू में उसे यही कहे जा रही थी कि तुम कितनी अच्छी ऑफिसर थी, लेकिन तुमने अपने देश के साथ धोखा किया, तुम ब्लैक आयरन के साथ मिल गई। मैं तुम्हें करण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, मुझे ले जाना है तो बेशक ले जाओ। ये दोनों सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक्चुअली आंडा भी एक ऑफिसर थी और वो कोई टेररिस्ट के साथ नहीं मिली हुई थी, बल्कि उसे उन लोगों की आइडेंटिटी पर शक था। इतने में ऊपर से कैप्टन करण आता है और उन सारों की कन्फ्यूजन आपस में खत्म कराता है, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था कि आंडा एक अंडरकवर स्पाई है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि इसी रिमोट एरिया में कुछ अरसे से बहुत सारे विलेजर्स अचानक से गायब हो जाते थे, और इसी पर ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर आंडा आई हुई थी, क्योंकि वो हमेशा से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर ही काम करती थी। उसके बाद ऑफिसर्स को बीच पर पड़ी हुई कुछ लाशें मिलती हैं और उन्हीं में से एक वो उठा कर ले आते हैं। वो उसकी मौत की वजह जानना चाहते थे। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था और रिमोट एरिया में था, तो यहाँ पर करण आइरीन की हेल्प लेने का फैसला करता है और वो उससे कहता है कि इसकी बॉडी को चेक करो कि इसकी मौत की रीजन क्या है। आइरीन उस बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करती है और उसके बाद कुछ सैंपल्स अपने पास रख लेती है। वो चाहती थी इसका ब्लड टेस्ट कराना, क्योंकि उसे शक था कि ये बहुत ही स्पेशल किस्म का एक डेंजरस पॉइजन है जिसके बारे में उसने पहले कभी भी नहीं देखा। यहाँ पर हमें काम के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि आइरीन को थोड़ा थोड़ा शक होता है आंडा पर, कि जैसे वो करण पर क्रश रखती है कि वो आइरीन और करण को दूर ना कर दे। करण आंडा वाले केस में उनका हिस्सा बनना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक आयरन का हाथ है, क्योंकि जब उन्होंने उसे गोली मारी थी तब बहुत सारे विलेजर्स वहां पर मौजूद थे और वो वही थे जो मिसिंग हुए थे। अब आंडा भी उन लोगों के साथ उनके सेफ हाउस पर रहने के लिए आ जाती है, और आइरीन इस वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि सुबह वाले मिसहैप की वजह से आइरीन को आंडा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अब उन दोनों की जेलसी की ये बात बाकी के सोल्जर भी नोट करते हैं और करण को कहते हैं कि कुछ तो करो। उधर विट को दिखाते हैं, वो डॉक्टर चिट को चोरी चोरी बताने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ पर इसी मिशन में आया हूँ कि किसी तरह से जॉनी को रास्ते से हटा दो ताकि वो लोग आइरीन को पकड़ने के लिए ट्रैकर बना ही ना सकें। इतने में उन पर नजर रखने वाला एक गार्ड अंदर आता है, जिससे विट की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। वो उसकी गन छीन कर उसे मारता है और उसके बाद बाकियों से भी बाहर जाकर लड़ने लगता है। बुरी तरह से घायल हो गया था, पकड़ा गया था, तो वो लोग अपनी हॉस्पिटल वाली जगह पर उसे शिफ्ट कर देते हैं। यही तो वो जगह थी जहाँ पर वो जॉनी के पास पहुँचना चाहता था। उधर डॉक्टर थीराप अब डॉक्टर चिट से बहाने बहाने से ये पूछने की कोशिश करता है कि विट यहाँ पर क्यों आया था, क्या वो हमें बचाने की कोशिश करेगा, उसने कोई पीछे से खबर दी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले ही टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं और डॉक्टर थीराप को वहाँ से मारते हुए एक बहाने से ले जाते हैं। थीराप को बड़ा गुस्सा आया था कि मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहा था, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये बात उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली उन्होंने उन विलेजर्स का किडनैप करके उनके ऊपर अपना बायोलॉजिकल वेपन डेथ एक्स को एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उनके गुंडों ने सही से काम नहीं किया और अब लाशें ऑफिसर्स के हाथों में लग चुकी थीं। पर डॉक्टर थीराप उनको तसल्ली देता है, कहता है कि जब तक कोई ज़्यादा हम पर शक करने की कोशिश करेगा, उससे पहले ही ये डेथ एक्स मैंने ऐसा बनाया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसके ट्रेसेस ब्लड से ख़त्म हो जाते हैं, और कोई आम सा फोरेंसिक तो ये जाँच भी नहीं पाएगा। अगर किसी को पता भी करना है तो उसे मेरे लेवल का रिसर्चर होना चाहिए। उधर घर पर दिखाते हैं कि करण के घावों में दोबारा से ब्लीडिंग होने लगती है, वो खराब हो रहा था। आंडा ये देख लेती है, लेकिन करण कहता है कि यहाँ पर मैं ड्रेसिंग नहीं करा सकता, क्योंकि आइरीन ने देखा तो वो बहुत परेशान होगी। लेकिन आइरीन ऊपर से आ जाती है और उसे लगता है कि जैसे आंडा और करण कुछ छुपा रहे हैं उससे, लेकिन उसने भी अब देख लिया था कि करण का घाव कितना खराब हो गया है। वो उसे खुद से ड्रेसिंग करती है और कहती है कि आइंदा मुझसे कोई भी दर्द कोई तकलीफ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वो करण और आंडा के काफ़ी क्लोज होने की वजह से थोड़ी जेलस थी। करण भी ये बात जान गया था और उसे मनाने की कोशिशों में लगा हुआ होता है, लेकिन आइरीन बहुत नखरे दिखाती है। वो उसे मना पाता, उससे पहले ही आंडा की कॉल आती है और वो उसे अपने साथ एक मिशन पर ले जाती है, और वो मिशन था उनका एक नाइट क्लब में, जहाँ पर आंडा एकदम बॉम्ब टाइप की लड़की बनकर आती है और वहाँ पर उन्होंने एक आदमी को फंसाना था जिसके लिए वो लोग आंडा का यूज़ कर रहे थे। आंडा उसे किसी तरह से एक साइड पर लेकर जाती है और करण उसको कवर अप करने के लिए पीछे पीछे जाएगा।
अमांडा ने एक बहाने से उस आदमी को अपने गार्ड्स से दूर कर दिया था और अब वो उसके काबू में था। वो उससे यही पूछ रही थी कि उसने विलेजर्स को किडनैप करके किसके पास भेजा था, किसको बेचा था। इतने में उसके गार्ड्स को पता चल जाता है, लेकिन करण मौजूद था आंडा का कवर अप करने के लिए। उसके बाद वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। रास्ते में जो भी रुकावट थी उन्होंने कवर कर ली थी, लेकिन इन दी एंड उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब कोई आता है और उसी आदमी को मार कर वहां से भाग जाता है। आंडा बहुत तड़पती है, उसने बहुत मेहनत की थी इस क्लू तक पहुंचने के लिए। उसने बहुत अरसा इसी तरह से काम किया था, उसने बहुत अरसा अंडर कवर रहकर इन लोगों की ही रैकी की थी। लेकिन आज करण को कंफर्म हो गया था कि ये काम करने का तरीका ब्लैक आयरन के अलावा किसी का नहीं हो सकता। उधर डॉक्टर आयरीन को जब ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट मिलती है तो उसमें एक चीज बहुत सस्पिशियस थी जो देखते ही वो हैरान रह जाती है। लेकिन अभी भी उसे बहुत सारी चीजें कंफर्म करनी थी। वो इसीलिए अपनी ड्यूटी पर मौजूद सोल्जर सारीन से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, इसी एरिया में एक रिसर्च लैब है, मैं वहाँ के प्रोफेसर को जानती हूँ, वो अपना इक्विपमेंट मुझे यूज करने देंगे, मुझे जरूर जाना होगा, वरना अगर 24 घंटे के बाद गए तो वो पॉइजन ब्लड में डीग्रेड हो जाएगी और कोई ट्रेसेस नहीं मिलेंगे। अब करण तो मिशन पे था, उससे परमिशन भी नहीं ले सकते थे, लेकिन सोल्जर सारीन को आयरीन की बातें दिल को लगती हैं, क्योंकि ये सब उनके मिशन से भी तो रिलेटेड था। तो वो चोरी चोरी आयरीन को अपने साथ ले जाती है। उधर जैसन को हर हाल में जॉनी ठीक ठाक चाहिए था। वो अपने डॉक्टर्स को कहता है कि चाहे इसे स्टीरॉइड दो या जो मर्जी करो, एक दफा इसे उठा के बिठाओ, ये मेरा काम कर दे, उसके बाद बेशक मर जाए। जबकि थीरा आप उधर नाटक करता करता ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत मार खा के डॉक्टर चिट के पास वापस आया है। डॉक्टर चिट को भी उससे बहुत हमदर्दी होने लगती है और वो उसकी बातों में आकर उसे सच सच बता देते हैं कि विट जॉनी को मारने के लिए गया है ताकि ये लोग आयरीन तक ना पहुंच सके। उधर विट भी एक दफा अपने बिस्तर से उठता और गार्ड पर खड़े इंसान को बेहोश करता है, उसकी गन निकालता है और जॉनी को मारना चाहता था। उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, वो खुद को कुर्बान करके बस अपनी रिसर्च को सेव करना चाहता था। वो जॉनी को मार देता है जबकि थीराप बहुत देर से पहुंचता है। उधर आयरीन रिसर्च लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करके कुछ पता चलाने की कोशिशों में थी, लेकिन ये सब उसकी समझ से भी बाहर था। लेकिन उसे ये यकीन जरूर हो गया था कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। सोल्जर सारीन उसे जल्दी करने को कहती है। अब थोड़ी देर बाद आयरीन के पीछे कोई खड़ा होता है और वो होता है कैप्टन करण। वो ना सिर्फ आयरीन को डांटता है बल्कि सोल्जर सारीन की भी बहुत क्लास लगाता है कि तुमने इसे यहाँ पर आना कैसे अलाउ किया, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आयरीन को कुछ हो जाता तो वो लोग क्या जवाब देते। आयरीन को एक तरफ अपनी बेचैनी थी, वो सिर्फ यही पता चलाना चाहती थी कि इस सैंपल में क्या डिफरेंट है। लेकिन करण वहाँ उसका एक मिनट भी रहना बर्दाश्त नहीं करता और उसे घसीट कर घर ले आता है और फिर उससे बहुत लड़ता है, उसे बहुत डांटता है। लेकिन आयरीन कह रही थी हर वक्त छुप के बैठना अच्छा नहीं होता, मैं हो सकता है तुम्हारी वो मदद कर सकती जो हमें इस मिशन के एक और लेवल पर पहुंचा देती। और उन दोनों की ये लड़ाई वहां पर सोती हुई आंडा भी सुन लेती है और फिर उठने के बाद वो करण के पास आती है और कहती है कि मैंने गलती से ये सारा कुछ सुना है, लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि जिस तरह से तुम आयरीन से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें तो उसकी सेफ्टी की फिक्र है, लेकिन वो भी खुद को प्रूफ करना चाहती है। एक्चुअली वो वीक नहीं रहना चाहती, इसलिए इतना शोर मचा रही है और इस मिशन का एक हिस्सा बनना चाहती है। तुम अगर उसे समझने की कोशिश करो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब करण को रियलाइज होता है कि उसने वाकई थोड़ी ज्यादा ही सख्ती कर दी है आयरीन के साथ। आयरीन बिना वजह के ही आंडा को गलत समझ रही थी, जबकि वो तो आयरीन की साइड ले रही थी। उधर ब्लैक आयरन अब बहुत परेशान थे। वो सोचते हैं कि जॉनी तो मर गया, अब अगला कोई और हम हैकर तलाश करें तो बहुत टाइम लगेगा, जीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम आयरीन के डैड को ही किसी तरह से सच उगलवाने की कोशिश करें। और अब वो समय आ जाता है कि आयरीन के डैड को पता चलता है कि कौन था जो असल गद्दार था उनकी लैब में, वो थीराप था। उसे हमेशा से डॉक्टर चिट से जेलस भी था क्योंकि वो उनके लेवल पर पहुंच नहीं सकता था, और इसके साथ साथ उसे पैसे का भी बहुत लालच था, वो खुद को मनवाना चाहता था। तभी तो उसने डेथ एक्स बनाने की कोशिश की और ब्लैक आयरन के हाथों का खिलौना बन के रह गया। डॉक्टर आयरीन उधर बेचैन थी, वो जानना चाहती थी कि ये कौन सा पॉइजन है जिसकी उसे समझ ही नहीं आ रही। वो दिन रात रिसर्च करती रहती है, कोई क्लू तलाश करना चाहती थी। और इतने में उसे पता चलता है कि करण ने उसके लिए एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी बनाया है जो उसने बिल्कुल फिनिश कर दिया था। ये देखकर करण को बहुत खुशी होती है।
आइरीन अपने काम में बिजी थी, लेकिन उसकी विंडो पर नजर पड़ती है तो वो अपना काम छोड़कर करण के पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो आंडा के साथ एक वॉक पर गया था। करण और आंडा कुछ बातें कर रहे होते हैं, इतने में वो उनकी बातें चोरी चोरी सुनने की कोशिश में एक पेड़ के पीछे छुपी होती है कि आंडा की आईज में कुछ जाता है जो करण रिमूव करने की कोशिश में होता है, और ये आइरीन देख लेती है। वो मिसअंडरस्टैंड करती है और वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। अब आइरीन क्या रिएक्शन देगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। आइरीन को साथ ही साथ फीवर भी हो गया था, क्योंकि वो दो रातों से सो नहीं सकी थी और उसी पॉइजन के बारे में वो रिसर्च करती रही थी। आंडा उसका ख्याल रखती है और करण से कहती है कि इसको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसका ख्याल रखो और इसे सब कुछ क्लियर करो। अब करण आइरीन के पास आता है, उसका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन वो कहती है कि कमरे से निकल जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। पर करण कहाँ मानने वाला था, वो कहता है तुम्हारा फीवर ना बढ़ जाए, तुम्हारी जान को खतरा ना हो जाए और तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और फिर उसे सब कुछ समझाता है, बताता है कि मेरे दिल में सिर्फ एक ही नाम है और वो है आइरीन का। आंडा सिर्फ और सिर्फ मेरी एक कोलीग है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, जो कुछ तुमने देखा वो सिर्फ नजरों का धोखा था। करण अब इतने प्यार से उसका ख्याल रख रहा था तो आइरीन क्यों ना मानती, वो भी तो उसे लाइक करती थी। वो फौरन से मान जाती है और उसकी हर कंफ्यूजन अब क्लियर हो चुकी थी। अब जब सुबह ही सुबह वो उठती है तो देखती है कि सारी रात करण उसका ख्याल रखता हुआ वहीं पर ही चेयर पे सो गया था। आइरीन को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, वो करण के करीब जाती, लेकिन वो जान गया था कि ये मुझे किस करने आई है। वो उठकर कहने लगता है कि हाँ हाँ, इतना तो मेरा हक बनता है, सारी रात मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। अब इतना गिफ्ट तो उसका बनता था आइरीन की तरफ से। अब आइरीन यहाँ पर करण से एक डिमांड करती है, कहती है कि रिसर्च लैब से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो तुम्हारे ऑफिसर्स मुझे ला कर दे सकते हैं। एक्चुअली उसे कुछ याद आया था कि जो सब्सटेंस जहर के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है उस पर एक दफ़ा उसकी रिसर्च लैब में भी कुछ रिसर्च हुई थी। उधर हमें बीच पर दिखाते हैं, डॉक्टर थीराप की बॉडी किसी को मिलती है लेकिन वो जिंदा था। अब कैप्टन करण यही न्यूज़ आकर आइरीन को भी देता है। आइरीन बहुत तड़पती है, कहती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, वो मेरे अंकल लगते हैं, मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ, प्लीज़ मुझे उनके पास जाने दो, वो डैड के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन करण का कहना था तुम्हारा जाना सेफ नहीं, तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उधर थीराप ने यही स्टेटमेंट दी थी कि उसे बहुत मारा पीटा गया और इन दी एंड जब वो बेहोश हुआ तो शायद उन टेररिस्ट को यही लगा था कि वो मर चुका है, तो बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। और उसके बाद वो बहुत ढोंग रचाने लगता है कि जैसे वो शॉक में है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। उधर आइरीन तो बार बार यही कहे जा रही थी कि डॉक्टर थीरा बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आंडा बहुत कॉशियस थी और वो यही कहती है कि ये किसी प्लान का भी हिस्सा हो सकता है, हो सकता है कि जानबूझ के टेररिस्ट्स ने उन्हें भेजा हो। उधर कैप्टन करण लोगों को थोड़ी देर बाद डॉक्टर थीरा कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और फिर उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर थीरा आपने बताया था कि उसने लोगों को बातें करते सुना है कि ब्लैक आयरन उसी एरिया में ड्रग्स का धंधा करते हैं। जब सारे कमांडोज वहाँ पर जाते हैं तो वाकई वहाँ पर ब्लैक आयरन आए हुए थे। उनको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल पक्की है और डॉक्टर थीरा वो भी एतमाद के काबिल है। और यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि डैनियल का 1-on-1 आमना सामना कैप्टन करण से हो जाता है। डैनियल उसे बहुत सताता है और साथ साथ उसे ताने भी देता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा, वो कैसे चीख रही थी मरते हुए। लेकिन करण को ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि इसे जिंदा पकड़ना है, वो उसके बहकावे में आने ही नहीं वाला था। और इतने में डैनियल उसे सताता है और उसके साथ ही आते हैं, उसे किसी तरह वहाँ से निकाल के भाग जाते हैं। अब आइरीन तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसकी कही बात सच्ची साबित हुई थी, उसके अंकल थीराप वाकई भरोसे के काबिल थे, उन्होंने सच्ची इन्फॉर्मेशन दी थी। करण जब जब मिशन पर जाता है आइरीन उसके लिए बहुत परेशान होती है और उसके वापस लौटने पर उसको हर दफा नई खुशी मिलती है। ब्लैक आयरन भी बहुत खुश हो रहे थे, ये सारा प्लान उन्होंने ही बनाया था और डॉक्टर थीराप ने जानबूझकर उनको ये इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि उन्हें पहले से ही मालूम थी। अब वो खुश हो गए थे कि थीराप पर मिलिट्री वालों का भरोसा बढ़ गया होगा। अब इसके बाद आइरीन को डॉक्टर थीराप से मिलने दिया जाता है, वो उनसे मिल रही थी और उसको बहुत उदासी थी, वो बार बार अपने डैड का पूछ रही थी और परेशान थी कि कहीं उन्हें ज्यादा टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा।
उसके बाद थीराब अकेले में आइरीन से बात करने को कहता है, लेकिन ये बातें करण और उसका बॉस सुन रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग अपनी कुछ प्रोफेशनल बातें करते हैं और इसी बीच आइरीन उनको बता बैठती है कि टॉन के ऊपर हमने उसी दवाई का एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम उन्होंने नादिया रखा था, और वो ये भी बताती है कि अभी तक उनकी वो दवाई सक्सेसफुल रही है, मतलब कि टॉन की बॉडी में उन्हें उसी के सैंपल्स अब मिल सकते थे। करण ने ये सब सुन लिया था, वो फौरन से भाग कर जाता है, आइरीन को पकड़ कर बाहर निकालता है और उससे कहता है कि ये सब सीक्रेट था, तुम्हें उन्हें नहीं बताना चाहिए था। लेकिन आइरीन बहुत इनोसेंट थी, कहती है कि इतने सालों उन्होंने हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम किया है, इनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके सक्सेसफुल होने की। लेकिन करण उसे जबरदस्ती उठाता हुआ वहां से बाहर ले जाता है। उधर टॉन को दिखाते हैं, उसे करण और आइरीन ने एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिया था, वो उसी को ही उड़ा रहा होता है कि अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ती है और वो बेहोश हो जाता है। अब आइरीन को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वहां पर आना पड़ता है। आइरीन उसकी हर तरह की रिपोर्ट्स देखती है और उसके बाद वो कहती है कि अब मुझे कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत होगी, और साथ ही साथ उसे डॉक्टर थीराब की भी ज़रूरत थी क्योंकि वो उसके सीनियर थे और उसकी हेल्प कर सकते। थीराब को जिस तरह से ब्लाइंड फोल्ड करके लाया जाता है वो बड़ा गुस्सा करता है कि मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो कि जैसे मैं ही टेररिस्ट हूँ। उनकी दवाई में थोड़ी सी अल्टरेशन करने की जरूरत थी, और अब टॉन की जान बचाने के लिए करण उनको एक रिसर्च लैब प्रिपेयर करके दे देता है। वहाँ की सिक्योरिटी पर वो दो गार्ड्स खड़े करता है और उसके बाद खुद वो आंडा के साथ अपने अगले प्लान की प्लानिंग करने के लिए पहुँच जाता है। डॉक्टर थीराब काम कम कर रहा था और उसकी तवज्जो इधर उधर ज्यादा थी। वो एक दफा मौका पाता है और आइरीन का फोन वहां से उठा लेता है, यही तो उसे चाहिए था, और आइरीन के नंबर से कॉल करके अब वो उसका नंबर टेररिस्ट तक पहुंचा देता है। अब वो किसी भी समय उसकी लोकेशन पता कर सकते थे। उधर आइरीन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसे पता चला था कि उनकी मेडिसिन में कोई भी अल्टरेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी डोजेज की गड़बड़ थी। अब वो लोग टॉन को थोड़ी और डोज लगाते हैं और उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी से जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके सेल्स पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था तो उसके सेल्स क्योर हो रहे थे। उसके बाद आइरीन बहुत खुश घर आती है क्योंकि वो टॉन से बहुत प्यार करती थी और साथ ही साथ उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जा रहा था। यहाँ पर करण उसे कहता है, क्या तुम्हें एक सॉफ्ट सा साइड पिलो नहीं चाहिए? लेकिन आइरीन कहती है, जो तुम देना चाहते हो वो बहुत मस्कुलर है, बहुत हार्ड है। करण उससे यही कहता है कि बेशक मेरी बॉडी हार्ड है, मस्कुलर है, लेकिन तुम्हें बहुत वार्म फील होगी। और यहीं पर ही उनके बहुत सारे स्वीट से मूवमेंट्स भी इकट्ठे दिखाई देते हैं। उधर ब्लैक आयरन को अब आइरीन की लोकेशन पता चल चुकी थी और वो लोग दो टीम्स में अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं। एक टीम को डेनियल लीड कर रहा था और वो आइरीन की लोकेशन पर जाते हैं। आइरीन को अब वही रिसर्च का मटेरियल मिल चुका था जो उसने कैप्टन करण से कहकर अपनी लैब से मंगवाया था, और यही देखते देखते उसे एक धमाकेदार बात याद आती है कि एक दफ़ा उसके अंकल थीराब एक सब्सटेंस एक्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन उसके डैड ने उन्हें ये करने से रोक दिया था क्योंकि उनका ख्याल था कि कल को ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइजन बन जाएगी और ह्यूमैनिटी के फायदे नहीं बल्कि नुकसान के काम आएगी। इतने सालों पहले अंकल थीराब को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया था, और जब वो सारी करेक्टरिस्टिक्स चेक करती है तो उस रिसर्च की और उस जहर की जो कि विलेजर्स में पाया गया था सारी सेम थी। पर अब बहुत देर हो गई थी, उसी समय टेररिस्ट उसके घर पर हमला कर चुके थे। वो ये बात आंडा को बताने ही लगती है कि बाहर से शोर की आवाजें आती हैं, और इतने में फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। कैप्टन करण भी उन लोगों का बराबरी से मुकाबला करता है और कुछ सोल्जर्स भी यहाँ पर मारे जाते हैं। यहाँ पर करण और डेनियल का 1-on-1 फिर से आमना सामना होता है। उसी समय आंडा आइरीन को प्रोटेक्ट कर रही थी, आइरीन तो अपनी जान बचा के भाग जाती है। उधर डेनियल करण को मारने ही वाला था चाकू के वार से, लेकिन एंड टाइम पर वो बच जाता है, और उसके बाद वो डेनियल की नेक के गिर्द एक ऐसा लॉक लगाता है कि वो जितनी भी कोशिश करता है छूटता नहीं बल्कि अनकॉन्शियस हो जाता है। करण उसको कहीं ठिकाने लगाता, लेकिन उससे पहले ही वो देखता है आंडा को हेल्प की जरूरत है। अब जब तक वो आंडा के पास जाता वही लिजर्ड टाइप की लड़की डेनियल को वहां से लेकर भाग जाती है, और वो लोग देखते रह जाते हैं। अब जब तक करण लोग बाहर आए थे सब कुछ क्लियर हो गया था और वो लोग वहां से भाग चुके थे। थैंक्स गॉड वो आइरीन को ले जाने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टॉन जिस हॉस्पिटल में है उसी हॉस्पिटल में मिस्टर जैसन अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। वो वहां के लोगों को मारने लगते हैं और बाकी लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। डॉक्टर थीराब एक बहाने से उसी समय टॉन के पास आते हैं और बाकी सोल्जर्स को बाहर भेज देते हैं। उस हॉस्पिटल में उन लोगों ने जैमर भी लगा लिए थे, और इसीलिए करण लोगों का कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा था अपने साथियों के साथ।
वहीं पर ही आइरीन उन सारों को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि किस तरह से डॉक्टर थीराप ने एक जहरीले मटेरियल पर रिसर्च की कोशिश की थी जिसको उसके डैड ने मना करके रुकवा दिया था, लेकिन आज वो जहर जो विलेजर्स में है वो उसी सब्सटेंस से बना हुआ है। इसका यही मतलब था कि डॉक्टर थीराप उन टेररिस्ट्स के हाथों से यूज हो रहे हैं। अब खतरा बढ़ गया था। आंडा की बात बिल्कुल सच थी। वो लोग फौरन से हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहां पर बाकी सारे तो पकड़े गए थे, सिर्फ दो ही सोल्जर्स बचे थे जिन्होंने तौन को और थीराप को बचाकर वहां से निकाल के जाना था। एक सोल्जर जाता है बाकी सारों को डिस्ट्रैक्ट करने और दूसरा सोल्जर चू उन बाकी दोनों को वहां से सेफली निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन थीराप ही आस्तीन का सांप है ये उस बेचारे को पता भी नहीं था। एक दफा उसका आमना सामना जेसन से होता है, वो बेचारा बुरी तरह से घेरा गया था और तभी उसे पता चलता है कि थीराप भी इनके साथ मिला हुआ है। अब वो एक था, वो लोग बहुत ज्यादा, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग वहां से तौन को ले जाते हैं और इन दी एंड जब उसके बस में आता है वो जैसन को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसन बहुत स्ट्रांग था, उसे टफ टाइम देता है और घायल कर देता है। उसके बाद सेल्फिश थीराप सोल्जर चू के पास आता है और उसे कहता है, तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की, मुझे यहाँ से रेस्क्यू कर रहे थे, इसका बदला तुम्हें मैं दूंगा, गिफ्ट में तुम्हें मिलेगा मेरा कम्प्लीट किया गया डेथ एक्स जिसको सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, तुम्हारे अंदर ही वो जहर डालूंगा। इतने में बाहर दिखाते हैं कि कमांडर थोंग और करण की टीम भी हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी है। आइरीन बहुत परेशान थी और करण उससे वादा करता है कि मुझे पता है तौन तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है, आई प्रॉमिस कि मैं उसको तुम्हारे पास सेफली और जिंदा लेकर आऊंगा। ये प्रॉमिस करके वो अंदर चला जाता है। अंदर घुसने पर करण को वहां पर अपना एक सोल्जर नजर आता है। वो बताता है कि सोल्जर चू डॉक्टर थीराप और तौन को लेकर सेफ्टी एग्जिट की तरफ बढ़ा है, लेकिन करण उसे बताता है कि डॉक्टर थीराप ही तो गद्दार है। उधर तौन को दिखाते हैं, वो बेचारा हिम्मत करके एक दो दफा छुपने की कोशिश करता है, भाग जाता है, लेकिन इन दी एंड उनसे पकड़ा जाता है। तौन के पकड़े जाने पर डॉक्टर थीराप कहता है कि अब हमें आइरीन की कोई जरूरत नहीं है, इस बच्चे की बॉडी में वैक्सीन है और यहीं से ही हम सैंपल्स ले सकते हैं जिनकी हमें जरूरत है। उधर आइरीन बेचैनी से इंतजार कर रही थी तौन का, लेकिन बहुत से हॉस्टेजेस बाहर आते हैं जिनमें तौन शामिल नहीं था। उसे तौन की इतनी फिक्र होने लगती है कि वो बाहर खड़ी ही नहीं रह सकती थी, वो अंदर हॉस्पिटल के भागती है। आंडा उसको समझाती है, लेकिन इन दी एंड वो आंडा को भी कन्विंस कर लेती है। अब बिल्डिंग में जाकर कैप्टन करण आइरीन को समझाता है कि ठीक है तुम मेरे साथ रहो, लेकिन ये गन भी अपने साथ रखना और जैसे ही हमें तौन मिले तुमने उसे लेकर यहाँ से भाग जाना है। अब वो लोग पीछे पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जैसन अपने लोगों के साथ तौन को लेकर जा रहा है। जैसन बहुत ब्रेव था, बाकियों को कहता है तुम जाओ मैं इनको संभालूंगा। करण को भी ऑर्डर्स मिले हुए थे कि इसको जिंदा पकड़ना है, इसीलिए वो ऑन द स्पॉट उसे शूट नहीं करता। वो बहुत अच्छा फाइटर था, वो सारों को धोबी पटका देकर ऐसा फेंकता है कि इन दी एंड उसका सामना कैप्टन करण से होता है, पर वो इतना स्ट्रांग था और उसकी इतनी प्रैक्टिस थी कि वो उसको भी पिछाड़ देता है। जब तक करण और उसके साथियों को होश आता है वो लोग तौन को लेकर निकल गए थे। इतने में उन्हें अपने सोल्जर चू का ख्याल आता है और फिर वो उसके पास पहुंचते हैं तो उसको उन्होंने डेथ एक्स का इंजेक्शन लगाया हुआ था। उस बेचारे की हालत बहुत खराब हो रही थी, हर कोई आइरीन की तरफ देख रहा था कि शायद इसके पास कोई एंटीडोट हो, लेकिन वो हाथ खड़े कर देती है, वो इस रिसर्च के बारे में कुछ नहीं जानती थी। यहाँ पर काफी इमोशनल सीन्स आते हैं जब सोल्जर चू मरने से पहले उन सबसे वादा लेता है कि वो उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगे, डैड की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो सारे लोग वहाँ पर शपथ लेते हैं कि अपने सोल्जर की मौत का बदला ज़रूर लेंगे और डेथ एक्स जैसे बायोलॉजिकल वेपन को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उधर आइरीन ने फील कर लिया था कि करण उससे शर्मिंदा है और उसका सामना भी नहीं कर रहा, क्योंकि तौन को बचाने का प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन आइरीन उसे आकर समझाती है और कहती है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की और वैसे भी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही सारों को कहा था कि अंकल थीराप बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो तो गद्दार निकला, इसलिए तुम खुद को गिल्टी फील ना करो। आइरीन यहाँ पर करण को अच्छा फील कराते कराते इतना रोती है कि वो बेचारा भी सैड हो जाता है और फिर वो उसे चुप कराता है और पहली दफा उसे आई लव यू भी बोलता है। उधर डॉक्टर चीट देखते हैं कि तौन यहाँ पहुंच चुका है और वो बहुत हैरान थे कि मुझे अभी तक इन लोगों ने मारा क्यों नहीं, क्योंकि अब तो नादिया का फार्मूला इनको मिल चुका है तौन की बॉडी से, इन्हें मेरी क्या जरूरत। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर थीराप ने कहा था कि इसे तब तक जिंदा रखो जब तक ये मेरी सक्सेस नहीं देख लेता, एक्चुअली ये सब जेलसी की वजह से हो रहा था। और उसके बाद वो दिखाते हैं कि डेथ एक्स को पहली दफ़ा उन्होंने नाडिया के फार्मूले के साथ मॉडिफाई किया था, तो उसका एक्सपेरिमेंट वो डॉक्टर विट के ऊपर करते हैं।
उन्होंने ऐसी जहरीली गैस बनाई थी कि जिसने चंद ही सेकंड्स में डॉक्टर विट को मौत के आगे फेंक दिया था। डॉक्टर थीर आप कहता है कि ये तो सिर्फ डेमो है, अभी आगे आके जब मैं और मॉडिफिकेशंस करूंगा तो ये दुनिया का सबसे जहरीला हथियार बन जाएगा। उधर करण जेसन की फाइल निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि तो वेलफेयर के काम करने का ड्रामा करता रहता था और आइरीन की रिसर्च को भी इसने फंड किया हुआ था। इसका मतलब है वो बहुत अरसे से सिर्फ वेट कर रहा था कि जैसे ही उनका फार्मूला सक्सेसफुल हो वो अपना डेथ एक्स बना सके। अब थोड़ी देर बाद जेसन आइरीन को कॉल करता है और कहता है कि किसी और को मत बुलाना, अगर तुम चाहती हो कि डॉक्टर चिट को और थॉर्न को कुछ ना हो तो मुझसे मिलने के लिए आओ। लेकिन आइरीन ने सबको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, जब वो लोग जाते हैं तो आगे कोई भी नहीं होता। और उसके बाद जेसन दोबारा से उनको मिलने के लिए बुलाता है और वो होती है एक और स्पेशल जगह जहाँ पर वो अपनी पूरी टीम के साथ आती है। यहाँ पर दोनों पार्टीज का आमना सामना होता है और दोनों तरफ गन्स रख के बात करती हैं। एक्चुअली जेसन ने ये किया था एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए और वो वीडियो पर सबको दिखाता है कि किस तरह से डेथ एक्स नाडिया के साथ मिलकर पावरफुल हुआ है और उसने विट की जान ली है। उसने ये सिर्फ इसलिए किया था कि वो सबके सामने अपनी विक्ट्री अनाउंस करना चाहता था। और वो उनको वार्निंग करता है कि शांति से यहाँ से निकल जाओ, अगर कुछ भी किया तो मैं वही बायोलॉजिकल वेपन यहाँ पर भी लेकर आया हूँ जो तुम लोगों पर आजमाऊंगा। अब वो लोग बहुत तड़पते हैं, आइरीन रोती है और वो लोग खामोशी से वहाँ से निकल जाते हैं। उधर तौन से वो ब्लड से ब्लड लिए जा रहे थे। डॉक्टर चिट बहुत रोता है तड़पता है कि इस बच्चे की जान छोड़ दो, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन उन जालिम लोगों को इसकी क्या परवाह थी, वो कहते हैं कि अब डॉक्टर चिट को भी ठिकाने लगाने का टाइम आ चुका है। दूसरी तरफ मिलिट्री को दिखाया जाता है, वो सारे लोग भी अपनी टीम्स बनाते हैं और एक ग्रैंड प्लान अपना बना लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो लोग किस आइलैंड पर अपनी एक सीक्रेट बेस बनाकर बैठे हुए हैं। अब वो लोग उसी आइलैंड पर जाएंगे जहां उन्होंने बायोलॉजिकल वेपन भी रखा हुआ है। इसके साथ साथ एयरफोर्स वालों को ऑर्डनेस डिवीजन की तरफ से स्पेशल बुलेट्स भी मिली थी। ये वो बुलेट्स थी जो ब्लैक आयरन के आर्मर में से पास हो सकती थी, मतलब जो बुलेट प्रूफ उन्होंने पहने होंगे अब उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। उधर डॉक्टर चिट को मरने से पहले थीर आप दिखाता है कि उसने कितनी सारी इन्वेंट्री इकट्ठी की हुई है जिसमें हर जगह उसने डेथ एक्स वेपन ही रखा हुआ था। वो अपनी विक्ट्री अनाउंस करता है और कहता है कि देखा मैं तुमसे ज्यादा कैपेबल हूँ। फिर वो दिन आ जाता है जब कमांडोज अपने मिशन पर निकले हुए होते हैं और उनके साथ आइरीन भी थी। वो लोग उसी आइलैंड की तरफ जाते हैं और उसके बाद सबसे पहले तो वो वहाँ के गार्ड्स को क्लियर करते हैं। और फिर सारे लोग जब पहुँचते हैं तो कैप्टन करण आइरीन से कहता है कि जैसे ही तौन मिल जाए तुमने उसको लेना है और यहाँ से निकल जाना है। एक्चुअली आइरीन को लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि तौन की जान को ख़तरा था और उसको जो भी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी वो सिर्फ आइरीन कर सकती थी। उसके बाद वो लोग जंगल से गुजरते हुए उनकी पेट्रोलिंग टीम को मार डालते हैं। अब वो लोग सक्सेसफुली उनकी सीक्रेट बेस तक पहुँच सकते थे। जैसे ही वो लोग तौन और डॉक्टर चिट को वहाँ से रिकवर करेंगे उसके बाद यही फैसला किया गया था कि एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक की जाएगी और उसके बाद इस सारे आइलैंड में उनकी सीक्रेट बेस को तबाह कर दिया जाएगा, साथ ही साथ बायोलॉजिकल वेपन भी। लेकिन जैक के थ्रू डेनियल को खबर मिलती है कि उनकी पेट्रोलिंग टीम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, इसका मतलब है कैप्टन करण वहाँ पर इन्वेड कर चुका है। आज तो आइरीन भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इवन कि उसने कैप्टन करण को भी हैरान कर दिया था। वो किसी पर भी बर्डन बनने की बजाय उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। यहाँ पर उन्हें वही बायोलॉजिकल वेपन्स नजर आते हैं जिसके ऊपर वो बॉम्ब सेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि डेनियल फोन पर अपने डैड जेसन से कहता है कि मैं आज करण को देख लूंगा, इससे मैंने बड़े पुराने बदले बराबर करने हैं। अब वहाँ पर काफी देर फाइट करने के बाद फाइनली वो लोग तौन तक पहुँच जाते हैं। तौन अपनी मम्मी को देख कर बहुत खुश था, उसे लगा था कि अब वो जिंदा बच सकता है। अब आइरीन ने तौन को लेकर चले जाना था और कैप्टन करण ने डॉक्टर चिट को तलाश करना था। अब वो लोग इस बिल्डिंग में काफ़ी सर्च करते हैं लेकिन डॉक्टर चिट का कोई अता पता नहीं था। यहाँ पर कमांडर थोंग कैप्टन करण से कहता है मुझे लगता है कि अब डॉक्टर चिट उनके लिए यूजलेस हो गया था जब से तौन मिला था। उनका ख्याल था कि उसे मार दिया गया है, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाएं और वहाँ से वापस निकले ताकि एयर स्ट्राइक की जा सके। लेकिन कैप्टन करण क्या करता, उसने भी तो आइरीन से वादा किया था कि उसके डैड को बचाएगा। वो फिर से सर्च पर लग जाता है। उनकी सीक्रेट बेस के बाद वो लोग उनके घर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी देर फाइट होती है और वो पॉइंट आता है जब जैक को गोली लगती है और उसे पता चलता है कि उसका आर्मर किसी काम का नहीं था, ये गोली उसके आर्मर को पेनिट्रेट कर गई थी। कैप्टन करण ने बस यही पता कराना था कि डॉक्टर चिट कहाँ है। जबकि उधर आइरीन की टीम आइलैंड के बाहर उन लोगों का वेट कर रही होती है। कैप्टन करण लोगों का पीछा करने के लिए अब डेनियल और उसके लोग भाग रहे होते हैं और एक बॉम्ब के थ्रू उनको गिराते हैं और उसके बाद वो बुरी तरह घेरे जा चुके थे। लेकिन डेनियल भी थोड़े नखरे में आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी गन रखता हूँ।
क्योंकि वो एक वन ऑन वन चैलेंज कर चुका था कैप्टन करण को। उसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं, लेकिन इन दी एंड कैप्टन करण उसे दबोच ही लेता है। डैनियल एंड डॉक्टर चिट के बारे में उनको यही बताया था कि वो यूजलेस था, तो हम उसे क्यों रखते। उसी समय वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कमांडर थोंग एयर स्ट्राइक करने का ऑर्डर दे चुके थे। अब किसी भी समय उस आइलैंड पर मिसाइल बरसने लगेंगे। आइरीन करण को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो लोग देखते हैं कि करण वहाँ पहुँच गया है, और वो लोग जैसे उस आइलैंड से निकलते हैं वहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है। अब वहाँ से निकलते ही वो लोग एक और जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको पता चला था कि जेसन मिल सकता है, लेकिन वहाँ जाकर वो लोग देखते जेसन का कोई अता पता नहीं था। इतने में उनको अपनी एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जेसन ये कंट्री छोड़कर भाग गया है। अब करण को ये सुनकर बहुत तकलीफ होती है कि उनके हाथ से वो कैसे निकल गया। उन सारों में इसलिए भी बहुत बेचैनी थी क्योंकि सोल्जर चू की मौत का बदला उन्होंने अभी तक नहीं लिया था। अब ये मिशन कम्प्लीट होने के थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं कि आइरीन बहुत दुखी थी। एक्चुअली उसके डैड ही उसकी पूरी दुनिया थे, जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे पाला था। उसकी और कोई फैमिली नहीं थी। वो सभी लोग बहुत दुखी थे और गिल्टी थे। उनको लगा था कि एयर स्ट्राइक में शायद डॉक्टर चिट मारे गए हों। मिलिट्री ने तो अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, बायोलॉजिकल वेपन उन्होंने वहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया था, सीक्रेट बेस भी ख़त्म हो गई थी, और प्रोजेक्ट नाडिया अब सेफ था। लेकिन अगर कुछ खोया था तो वो आइरीन ने खोया था, उसके डैड को। करण भी ये बात देखता है कि वो ऊपर से स्ट्रांग है सिर्फ टॉन के लिए, लेकिन अंदर से तो वो टूट चुकी थी। कमांडर थोंग भी कैप्टन करण के पास आता है और उससे कहता है कि मैं क्या करता, मुझे ये बड़ा फैसला लेना ही पड़ा, तभी तो हमारी कंट्री अब सेफ है। डॉक्टर चिट उनका बेस्ट फ्रेंड था और वो कहते हैं कि आइरीन बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, अब उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और कैप्टन करण तुम बिल्कुल मेरे बेटे की तरह हो, इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम आइरीन का ख्याल रखोगे और उसको वापस हंसी और खुशी वाली लाइफ की तरफ लेकर आओगे। टेररिस्ट की कैद से बाहर निकला था, उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। इसी बीच उसे ठीक से ना तो वैक्सीनेशन मिली थी, ना ही उसका ट्रीटमेंट हुआ था। ये सब देखने के बाद डॉक्टर आइरीन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती हैं। वो कहती है कि अगर मैं टाइम में वापस जा सकती तो मैं इस प्रोजेक्ट को ही रिवर्स कर देती। इसकी वजह से मैंने हर प्यारे को खोया है, अपने डैड को, बेस्ट फ्रेंड को, सारे कोलीग्स को खो दिया। यहाँ पे करण उसे समझाता है, कहता है कि ये इस वजह से नहीं है, बल्कि तुमने तो लोगों की भलाई के बारे में सोचा, और ये मत भूलो कि यही प्रोजेक्ट तुम्हारे डैड की भी उम्मीद थी। जिन्होंने गलत किया वो लोग ब्लैक आयरन थे, तुम नहीं। और उसके बाद उन्हें पता चलता है, डॉक्टर ने बताया था कि डेथ एक्स के कुछ ट्रेसेस टॉन की बॉडी में भी पाए गए हैं। इसका मतलब है कि उसके ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। अब ये सुनने के बाद करण और आइरीन उसका आखिरी सपना पूरा करने के लिए उसे मिलिट्री एयरबेस ले जाते हैं। वो फाइटर पायलट बनना चाहता था, करण ने उससे वादा किया था, वो उसे फाइटर जेट दिखाता है, उसने उसके लिए स्पेशल परमिशंस भी ली हुई थी, तो वो उसे उसमें बिठाता भी है। और ये सारा कुछ करके टॉन बहुत खुश होता है, उसका सबसे बड़ा सपना आज पूरा हो गया था। उसके बाद करण उसे सैल्यूट भी करता है और उसको एक निक नेम देता है, जैसे करण का थंडर था वो उसे नाडिया का निक नेम देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद टॉन की हालत खराब हो जाती है, वो बहुत थक गया था। आइरीन के पास आकर कहता है कि मैं सोना चाहता हूँ, अब रेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है मैं सपनों में भी सिर्फ आज का ही दिन देखूँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन था। और उसके बाद करण और आइरीन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब टॉन आइरीन के कंधे पर सर रख के हमेशा के लिए सो जाता है। आइरीन बहुत दुखी हो गई थी, उसने एक एक करके अपने सारे प्यारों को खो दिया था, अब उसके पास कोई भी नहीं बचा था सिवाय करण के। वो उसे हक करती है और कहती है मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहूंगी, सिर्फ एक तुम ही बचे हो, और उससे वादा लेती है कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। अब थोड़े दिनों बाद आहिस्ता आहिस्ता आइरीन ने रिकवर कर लिया था, और कमांडर थोंग उसे न्यूज देता है कि मिनिस्टर ने आइरीन के उसी रिसर्च प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करने का ऑर्डर दे दिया है। आइरीन का यही सपना था, वो अपने डैड के मिशन को पूरा करे। यहाँ पर काफी दिनों बाद एक सरप्राइज आता है जब कैप्टन करण की मम्मी अचानक से पहुंच जाती हैं। वो बहुत खुश थी, उन्हें पता चल गया था कि ये सब मिशन का हिस्सा था और उनका बेटा एक मिशन में सक्सेसफुल रहा है। उसकी तारीफ करते करते वो एकदम उसे मारने लगती हैं कि ये शादी और वाइफ वाली एक्टिंग तुमने इतनी अच्छी कैसे कर ली, तुम सोल्जर हो कि एक्टर। यहाँ पर आइरीन उन्हें समझाने के लिए एक दफा आंटी शब्द बोलती है कि उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है नहीं तुम मुझे मम्मी बोलोगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है मेरी बहू कोई और नहीं बल्कि तुम ही बनने वाली हो। और उसके बाद वो आइरीन को उसका रूम भी दिखाती हैं। वो चाहती थी कि आइरीन अब उन्हीं के साथ उनके घर पर ठहरे। एक्चुअली डॉक्टर पार्ट ने सारी डिटेल्स उनको बता दी थी,
कि कैसे नाटक करते करते इन दोनों का प्यार असली में बदल गया। मम्मी को एक्चुअली बहुत अफसोस था कि जिस तरह से आइरीन का एक एक करके सारे प्यारे खो गए थे और अब उसका दुनिया में कोई नहीं था। वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी मामा हूँ, तुम मुझे करण की तरह मॉम बुलाया करो, इसलिए अपने अकेले घर में रहने की बजाय तुम हमारे साथ रहो। अब उनके जाने के बाद आइरीन सारा गुस्सा करण पर निकालती है कि तुम्हें मुझे पहले इस सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए था, मैं सरप्राइज्ड थी, मैं क्या बोलती मुझे कुछ नहीं पता चला। यहाँ पर उनके कुछ स्वीट मोमेंट्स आते हैं और उन्हीं के बीच आइरीन करण को रेड सिग्नल दिखा देती है और कहती है, ये सब तो मिशन का हिस्सा था, मिशन ओवर तो सब कुछ दोबारा से स्टार्ट होगा, अगर तुम्हें मुझे पटाना है तो मुझे कोर्ट करना पड़ेगा फिर से। उसके बाद नेक्स्ट डे से आइरीन ने अपनी एक टीम बना ली थी और उसकी एक नई रिसर्च लैब भी तैयार हो चुकी थी जिसमें वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। वो बहुत मेहनत कर रही थी फिर से कैंसर पेशेंट्स के लिए दवाई बनाने की खातिर। इसी तरह समय गुजरता चला जाता है। करण उसे बहुत कहता था कि तुम रेस्ट किया करो, लेकिन वो अपनी हेल्थ का, नींद का ख्याल भी नहीं रखती थी। आज करण जबरदस्ती उसे बिठाई रखता है और कहता है कि तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उसका रिजल्ट सक्सेसफुल आया है, इसीलिए इसी सेलिब्रेशंस की खुशी में तुम बहुत सारा रेस्ट करोगी और आज तुम मेरे साथ डेट पर जाने वाली हो। और फिर वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे पहली दफा मिले हों। करण उसे कहता है, तुम्हें पहले भी देखा हुआ लगता है, मेरे जैसा हैंडसम फेस तुम भूली तो नहीं होगी। और उसके बाद एक वेट्रेस के थ्रू उससे उसका लाइन आईडी भी मांगता है जिसको आइरीन एक फार्मूला की शक्ल में उसे भेज देती है। अब केमिकल फार्मूला उसे कहाँ समझ आने वाला था। वो कहती है कि यही पजल है, अगर इसमें से तुम मेरा लाइन आईडी निकाल लो तो फिर मेरी तरफ से यह समझना वरना नो है। अब करण की हेल्प करने उसके सोल्जर्स भी आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही आइरीन को एक मैसेज आता है, करण उसे लाइन आईडी पर हाय बोल रहा था। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था लेकिन अचानक से सायूरी की एंट्री होती है जो कि ब्लैक आयरन से थी। आइरीन फौरन से जाती है और करण को ये बताती है। वो लोग ढूंढते हैं पर कहीं पर कोई नजर नहीं आता। उन्होंने तो समझा था कि उन्होंने ब्लैक आयरन को खत्म कर दिया है, लेकिन वो वापस कैसे आ गए। इतने में कैप्टन करण को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक इमरजेंसी थी। एक गवर्नमेंट की एजेंसी में ब्लैक आयरन ने हमला करके लोगों को होस्टेज बनाया हुआ था। अब यहाँ पर करण भी अपनी टीम के साथ वहां जाता है। आइरीन भी अंदर जाने की जिद करती है क्योंकि उसे लगता था कि सायूरी ने जानबूझकर अपना आप उसे दिखाया है क्योंकि वो वहाँ उसे कुछ बुलाकर दिखाना चाहती है। वेल, वो लोग अंदर जाते हैं। एक पॉइंट पर सायूरी के साथ आमने सामने हो जाती है। यहाँ पर उनकी थोड़ी सी फाइट भी होती है लेकिन इसी बीच आइरीन को पता चलता है कि उसके डैड जिंदा है और इसी बिल्डिंग में है और ये सारा कुछ ब्लैक आयरन का प्लान था। उनकी सीक्रेट बेस में कुछ भी तबाह नहीं हुआ था बल्कि डेथ एक्स भी उन्हीं के पास है अभी तक। और उसके बाद आइरीन कैप्टन करण को ये सारा कुछ बताती है और वो लोग डॉक्टर चिट को तलाश करने में लग जाते हैं। डॉक्टर चिट को उन्होंने उस कमरे में बंद किया हुआ था जहां से पूरी बिल्डिंग की वेंटिलेशन जाती थी। उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत खराब थी और वो बताते हैं कि ये सारा डेथ एक्स का वेपन है और उसे उन्होंने कनेक्ट किया हुआ था उनकी हार्ट बीट के साथ। जैसे ही उसकी दिल की धड़कनें खत्म होंगी, डेथ एक्स की गैस सारी बिल्डिंग में फैल जाएगी और सब लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आइरीन ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था लेकिन आज फिर से उसे अपने डैड सामने नजर आते हैं और वो भी इस हालत में। उसे वही सारी तकलीफ दोबारा से बर्दाश्त करनी होगी। वो बहुत रोती है, तड़पती है। यहाँ पर डॉक्टर चिट कैप्टन करण से वादा लेते हैं कि तुम मेरी बेटी आइरीन का ख्याल रखोगी। आइरीन तो वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी, बहुत रोती है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे रोक कर कहते हैं, आइरीन याद रखना तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें जिंदा यहाँ से निकलना है और जो मिशन मेरा रह गया था उसे तुमने पूरा करना है। अब कैप्टन करण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू करना चाहता था लेकिन उसे उसके कमांडर का फ़ोन आता है जो उसे कहते हैं कि ज़्यादा समय नहीं बचा, जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं उनको छोड़ो और तुम बाहर निकलो। लेकिन करण को ये एक्सेप्ट नहीं था। यहाँ पर उसका फ्रेंड खानीन कहता है, ठीक है फिर करण, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और उसके साथ ही वो करण को पीठ पर वार करके बेहोश कर देता है। एक्चुअली यही उसकी हेल्प थी कि वो इस बिल्डिंग से करण को जिंदा ले जाना चाहता था। आइरीन भी बहुत रेजिस्ट कर रही थी तो कमांडोज को उसे भी बेहोश करके बाहर ले जाना पड़ता है। और फिर इसके साथ ही डॉक्टर चिट की सांसें बंद हो जाती हैं और फिर वो जहरीली गैस सारी फिजा में फैल जाती है और बिल्डिंग के बाहर भी आने लग जाती है। अब तो थाईलैंड में एक तरह से इमरजेंसी ही लग गई थी। वो लोग अपने बेस्ट कमांडोज को डिफरेंट पोजीशन से वापस बुलाने को कहते हैं क्योंकि अब ये मिशन सबसे इम्पोर्टेंट था। उन्हें इस बायोलॉजिकल वेपन को ख़त्म करना था। हर कोई डर रहा था जबकि ब्लैक आयरन बहुत खुश थे। उन्हें दुनिया के सामने अपना डर और अपना खौफ बिठाना था
जो करने में कामयाब हो गए थे। उस गैस ने ना सिर्फ बिल्डिंग में बल्कि बिल्डिंग से बाहर भी 1 किलोमीटर के रेडियस में अपनी तबाही मचाई थी। जेसन साफ साफ कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि मिलिट्री ने मेरी सीक्रेट बेस को तबाह करने की कोशिश की थी, ये उसका बदला है। अब उनके देश का प्रधानमंत्री यही कहता है कि सबसे पहले हम सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा, तभी हम इनको हराने में कामयाब होंगे। एक्चुअली डेथ एक्स जो करना चाहते थे उसमें तो वो कामयाब हो चुके थे। अब वो महंगे दामों अपना बायोलॉजिकल वेपन दुनिया को बेचेंगे और हर कोई उनसे डरेगा, यही वो चाहते थे। लेकिन डॉक्टर आयरीन बेचारी की कंडीशन फिर से बहुत ख़राब थी। वो उसी सदमे से दूसरी दफ़ा गुजरी थी और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी था क्योंकि उसके डैड को वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसका तो दिल था कि वो अपने डैड के साथ ही रहती और खुद भी वहाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन यहाँ पर सोल्जर सारीन आकर उसे समझाती है और कहती है कि लाइफ चलनी चाहिए, दूसरों के साथ हम खुद को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन आयरीन कुछ भी समझने वाली नहीं थी। वो कहती है कि मैं थक चुकी हूँ अपनों को खो खो के, अब मैं सबसे दूर जाना चाहती हूँ, अकेली रहना चाहती हूँ। कैप्टन करण को उसके फ्रेंड खानी ने बेहोश कर दिया था, इसी बात की वजह से वो उस पर बहुत गुस्से में था। वो कहता है कि मैं हो सकता है डॉक्टर चिट को भी बचा लेता और शायद कुछ और शहरियों को भी बाहर निकाल सकता था, लेकिन खानीन कहता है कि तुम आगे सारी जिंदगी लोगों को रेस्क्यू करते रहोगे, तुम्हारा जिंदा रहना ज्यादा जरूरी था। अब यहीं पर ही उन दोनों की फाइट हो जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बेस्ट फ्रेंड्स आकर उनको रोकते हैं और शांत रहने को कहते हैं। उसके बाद कैप्टन करण, खानीन, जीवार्ट और कैप्टन रिट, ये चारों अपनी शपथ को याद करते हैं जो उन्होंने सोल्जर बनते वक्त ली थी। ये चारों बेस्ट फ्रेंड्स थे उस टाइम पर जब वो लोग मिलिट्री एकेडमी में गए थे, और इस वक्त भी इन चारों को ही चुना गया था, शैडो टीम का नाम दिया गया था और इन्हें ही वो टास्क मिला था कि जिसमें इन्होंने ब्लैक आयरन को जाकर हमेशा के लिए ख़त्म करना था। और इसके साथ साथ इस मिशन का लीडर कैप्टन करण को बनाया जाता है क्योंकि पहले भी वो ब्लैक आयरन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है बाकी सबसे। अब मिशन पर जाने से पहले 6 घंटे थे उनके पास, वो अपने प्यारों से मिल सकते थे क्योंकि उसके बाद मालूम नहीं कि वो मिल पाएंगे कि नहीं। सबसे पहले कैप्टन रिट को दिखाते हैं जो कि डॉक्टर पाठ के पास गया था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके प्लीज मेरे साथ लंच पर चलो। ये सुनते ही डॉक्टर पाठ का दिल डर गया था क्योंकि उसे पता चल गया था ये किसी खतरनाक मिशन पर जा रहा है। खानीन भी अपनी गर्लफ्रेंड मिंत्रा से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो जान गई थी और वो उसकी स्ट्रेंथ बनती है और कहती है, मुझे विश्वास है तुम ज़रूर वापस आओगे और बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन कैप्टन जी वार्ड की गर्लफ्रेंड थोड़ी सी वीक थी, वो अभी से डरी हुई थी और उसने तो रोना भी स्टार्ट कर दिया था। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें भेजने को भी मन नहीं करता, लेकिन सी ऑफ तो करना पड़ेगा। और उसके बाद करण जाता है सीधा आयरीन के पास। आयरीन को अंदाज़ा था कि ये मिशन कितना डेंजरस होने वाला है, और इसके साथ साथ वो इस टेंशन में भी थी क्योंकि मिलिट्री की तरफ से बहुत दबाव था। वो डेथ एक्स को मिटाने के लिए रिसर्च कर रही थी कि उसका कुछ तो एंटीडोट निकले। आयरीन बहुत डरी हुई थी। अब एक आखिरी रिश्ता करण का ही उसके पास बचा था। वो बहुत रोती है क्योंकि मालूम नहीं था कि करण जिंदा वापस बचेगा भी कि नहीं। लेकिन करण उससे कहता है, जो टाइम आने वाला है उसके बारे में ना सोचो, जो अभी है उसे अच्छे से बिताना चाहिए। करण के पास अभी भी कुछ घंटे थे जो वो आयरीन के साथ क्वालिटी टाइम में बिताता है। उसके बाद वो चारों फ्रेंड्स मिशन पर चले जाते हैं। बॉर्डर के करीब ही एक रिमोट एरिया में ब्लैक आयरन की सीक्रेट बेस होने की उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो लोग वहां जाकर स्प्लिट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनको पता चल जाता है कि वाकई ब्लैक आयरन यहीं पर ही काम कर रहे हैं। करण और खानीन का भी आमना सामना कुछ गुंडों से होता है। यहाँ पर खानीन कहता है कि मैं इनके सामने जाकर खुद को प्रेजेंट करूंगा, ऐसे कि जैसे मैं पकड़ा गया हूँ, और उसके बाद इनकी सीक्रेट बेस पर जहाँ मुझे ये ले जाएंगे मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करूंगा अपने GPS के थ्रू। सर कैप्टन जी वाट का एक दफा आमना सामना उन्हीं गुंडों से होता है। वो कुछ सिविलियंस की जान बचाता है और उसके बाद उसको एक गोली लग जाती है। अब कैप्टन रिट को तो यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जीवाट की डेथ हो गई है और उसको वो टेररिस्ट घसीट कर साथ ले गए हैं। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपना रेस्क्यू का मिशन कंटिन्यू रखता है। जैसे उसे करण मिलता है तो करण को भी बहुत अफसोस हुआ था, उसे नहीं पता था कि इतना जल्दी उनका साथी बिछड़ जाएगा। खानीन को अब जेसन के पास पहुंचा दिया गया था, लेकिन पता चलता है कि कैप्टन जी वार भी जिंदा है और उसने आर्मर पहना था, गोली आर पार नहीं गई थी। जेसन ने ऑर्डर किया था कि इनकी अच्छी से तलाशी ली जाए, लेकिन उनके पास से कोई चीज भी नहीं मिली थी जो सस्पिशियस हो, कोई ट्रैकर नहीं था। अब जेसन ऑर्डर करता है कि इनको ठिकाने लगा दो, और साथ साथ उनको ये भी बताता है कि मरने से पहले सुन लो, हमने 3 टन डेथ एक्स को भेजा है बैंकॉक के लिए, और उसके बाद उस शहर में तबाही मच जाएगी। लेकिन जीवार और खानीन किसी तरह से उनसे बच जाते हैं, और एक्चुअली खानीन ने वो ट्रैकर अपने साथ छुपाया ही नहीं था,
बल्कि उसके अपने ही एक अटैकर की पॉकेट में रखा हुआ था। अब उसी लोकेशन के थ्रू बाकी दोनों कमांडोज टेररिस्ट के साथियों के भेस में ही क्यू में शामिल होकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। थीराप ने जब सुना था कि कमांडोज यहां पहुंच गए हैं, वो तो परेशान हो गया था और वो जेसन को कहता है कि जल्दी इस मामले को हैंडल करो और उनको यहां से निकालो। लेकिन करण उनके बीच घुसा हुआ सारा कुछ सुन लेता है कि किस तरह से 3 ट्रक बाहर भेजे गए हैं बैंकॉक की तरफ। अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, वो उनके लैपटॉप से उन्हीं ट्रक्स की लोकेशन निकालने लगता है। 2 का तो उसने पता कर लिया था, लेकिन इसके बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। उधर खानीन और G8 की भी फाइट चल रही होती है और वो लोग उनके आर्मर सेक्शन को बम से उड़ा देते हैं। अब थीराफ तो बहुत परेशान हो गया था, उसकी तो कोई हालत ही नहीं थी। वो फौरन से अपने डेथ एक्स का सारा डाटा अपने लैपटॉप से अपनी फ्लैश ड्राइव में ट्रांसफर करने लगता है। दूसरी तरफ फाइनली सायूरी को भी गोली लग ही जाती है। डैनियल दौड़ता हुआ उसके पास आता है, लेकिन मरते मरते वो उसे आई लव यू बोल के ही मरी थी। डैनियल बहुत गुस्से से उसका बदला लेने उनके पीछे दौड़ता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि चारों कमांडोस बुरी तरह से घेरे जा चुके थे। जेसन इन दी एंड करण से बदला लेना चाहता था तो उसे फिर से फाइट के लिए बुलाता है। वो तो अपनी पावर और स्ट्रेंथ दिखाकर उसकी इंसल्ट करना चाहता था, लेकिन अब की बार करण भी ज्यादा ही ट्रेंड होकर आया था और उसे भी अपनी पिछली इंसल्ट बहुत अच्छे से याद थी, जब उसके एक पंच से वो 2 घंटे बेहोश रहा था। जेसन ने एक नाइफ भी निकाल लिया था, लेकिन करण उस नाइफ को काबू करके उसी को ही घायल कर देता है। इतने में कैप्टन करण की बैकअप टीम वहां पहुंच जाती है और उनकी जान बचा लेती है। उधर जैसन अब भागने की तैयारियों में होता है। थीरा बहुत परेशान था, वो गुस्से में उनको ही बुरा भला कहने लगता है कि तुम भी बेवकूफ हो और तुम्हारा बेटा डैनियल भी बेवकूफ है। लेकिन जैसन को जो फ्लैश ड्राइव चाहिए थी वो उसके पास थी। वो थीराप को गोली मार के हमेशा के लिए शांत कर देता है और उसके बाद वो कहता है डैनियल को कि तुम अपने रास्ते जाओ और तुम्हारा मिशन है कि डेथ एक्स को बैंकॉक तक पहुंचना होगा, और खुद दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। अब 2 ट्रक्स की लोकेशन तो कैप्टन को पता चल चुकी थी और उन ट्रक्स के ड्राइवर्स को काबू करके डेथ एक्स को बैंकॉक पहुंचने से रोक लेते हैं। जबकि उसी समय दिखाते हैं कि डॉक्टर आइरीन को बहुत बड़ी सक्सेस मिली थी। उसकी टीम ने कुछ ऐसा फार्मूला बना लिया था जो डेथ एक्स को हवा में फैलने से रोक सकता था अगर उसे उसके ऊपर गिरा दिया जाए तो। और अब ये मिशन कैप्टन करण करेगा। उसके मिसाइल में वही मटेरियल भर दिया जाता है और वो आखिरी ट्रक पर एयर स्ट्राइक करेगा। लास्ट वाला ट्रक डैनियल लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि किसी की मौत लाने की बजाय उसकी अपनी मौत आने वाली है। मिलिट्री वालों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू उस ट्रक की भी लोकेशन पता कर ली थी और जैसे ही कैप्टन करण को उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो डैनियल भी डेथ एक्स के साथ हमेशा के लिए वहीं खत्म हो जाता है। उन लोगों का मिशन सक्सेसफुल रहा था, हर कोई बहुत खुश हो गया था। कमांडर थोंग कैप्टन करण से कहता है कि जल्दी वापस पहुंचो क्योंकि कोई तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उधर जेसन का आमना सामना खानीन से होता है और यहाँ पर थोड़ी देर फाइट भी होती है जिसमें जेसन तो हारा गया था। जेसन को इन दी एंड अपने रिमोट को चलाने का मौका मिल जाता है। जब तक वो लोग उसे गोली मारते हैं, उसने अपने मिसाइल का बटन दबा दिया था और अब ये मिसाइल चलता है और कैप्टन करण के जेट का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। अब मिसाइल के टकराने से करण का प्लेन डैमेज हो गया था और वो इजेक्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन निकल नहीं पाया था। आइरीन उससे कनेक्ट होती है और उसके बाद लास्ट वर्ड्स आइरीन और करण के यही थे कि आइरीन उससे कहती है मैं तुम पर गर्व करती हूँ और वो उसे आई लव यू बोलता है और उसके बाद वो जेट रेडार से गायब हो जाता है। एक आखिरी रिश्ता करण का बचा था जो उसे लगता था उसने ये भी खो दिया है, लेकिन फिर भी उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद वो बच गया हो। आइरीन अपने और करण के साथ बिताए लम्हों को याद करती है, वो बहुत सैड थी। इतने में करण की मॉम उसके पास आती है और कहती है जब से मेरा बेटा सोल्जर बना था मैंने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि कोई भी दिन ऐसा आ सकता है, लेकिन मैंने स्ट्रांग रहना है क्योंकि करण ने मुझे कहा था कि मॉम ऐसी सिचुएशन में आपने नहीं रोना। वो आइरीन को कहती है कि अब मैं और तुम हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। करण के तीनों बेस्ट फ्रेंड्स वापस पहुंच चुके थे। अब थोड़ी देर बाद उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि करण के जेट के ट्रेसेस मिल गए हैं और सर्च टीम उसी तरफ जाती है। अब थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं कि उस प्लेन में करण की बिल्कुल ठीक ठाक वापसी भी हो जाती है। अब आइरीन को वो हक करता है और उसके तीनों फ्रेंड्स बहुत जेलस होते हैं कि आइरीन के आने के बाद हमारी कोई वैल्यू नहीं इसकी लाइफ में, बट नो लिफ्ट। अब फाइनली करण भी ठीक ठाक था और उसका मिशन भी सक्सेसफुल रहा था, लेकिन एक मिशन अभी और भी बाकी था और वो था लव मिशन। चारों फ्रेंड्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को एक बीच पर इनवाइट करते हैं वेकेशन मनाने के लिए, लेकिन चारों बहुत परेशान थे। एनिमीज का मुकाबला करते हुए उनके हाथ नहीं कांपते थे, लेकिन अब अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज करते हुए वो डर रहे थे कि कहीं कोई मिस्टेक ना कर दें। तो अब वो चारों फैसला करते हैं कि हम लोग बिल्कुल टीम की तरह काम करेंगे जैसे मिशंस पर करते हैं।
अब वो चारों वायरलेस पर कनेक्ट हो जाते हैं ताकि एक प्रपोज करने जाए तो दूसरा उसे कोई अच्छा मशवरा या कोई डायलॉग तो दे सके। लेकिन करण भी डिसअपॉइंट होता है। उसके बाद अगला फ्रेंड जाता है तो डॉक्टर पार्थ को भी एंड टाइम पर एक इमरजेंसी से रिलेटेड कॉल आ जाती है। और तीसरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड तो एक ऑथर थी, उसे फौरन से एक अच्छा आइडिया आया था जो अपनी बुक के लिए वो लिखने के लिए भाग जाती है। अब तीन तो हार चुके थे, चौथे की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उधर हमें दिखाते हैं कि चारों की चारों गर्लफ्रेंड्स आपस में बेस्ट फ्रेंड बनी हुई हैं, लेकिन ये बात उन्होंने अपने अपने बॉयफ्रेंड से छुपाई हुई थी और वो टीम अप करके जान के अपने अपने बॉयफ्रेंड्स को तंग कर रही थी। इतने में कमांडोज ऊपर से आते हैं और उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं था। वो गर्ल्स यही मशवरा देती हैं कि टीम की बजाय अलग अलग काम करो। वेल फाइनली एक एक करके सारे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जाते हैं, बस डर ज्यादा रहे थे। ऑफ कोर्स आगे से यस ही आता है। करण तो एक लव लेटर पेपर एरोप्लेन की शक्ल में उसे क्रैश करता है और उसके बाद नील डाउन होकर उसे प्रपोज करता है। ऑफ कोर्स आइरीन ने हाँ ही कहनी थी। उसके बाद एक किसिंग सीन आता है। अब इन दी एंड लव मिशन भी चारों कमांडोज का सक्सेसफुल रहा था। अब उसके बाद चारों कपल्स अपनी फोटोग्राफी में बिजी होते हैं कि यहीं पर ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।